बस मैं नहीं हो रही हूँ, मैं अपडेट कर I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, been finding ways to get away, to see you again. Millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong. And I've been counting down. Assalamualaikum everyone, welcome back to HOB Car. वहाँ guys वापस आ चुके हैं HOBX ESPL Community Cup के ग्रैंड फाइनल के साथ. आपको बता चलेंगे ग्रैंड फाइनल आज आपको देखने को मिलने वाला है, चूंकि 12 टीमों के दरमियान खेला जाएगा, जिसका प्राइज पूल $300 रहने वाला है. तो एक बहुत बड़े इवेंट का जो है वो इख्तिताम होने जा रहे हैं, और इस साल के इख्तिताम पर एक बहुत बड़ा इवेंट भी ख़त्म होता होने जा रहे हैं. तो होपफुली गाइस आज बड़ा मज़ा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि आज जो है हमारे साथ बहुत सारे अच्छी टीमें भी जुड़ने वाली हैं, और उनके साथ साथ न्यू टैलेंटेड टीम्स भी हैं जो कि आज ग्रैंड फाइनल खेलेंगी. तो 6 मैचेस में डिसाइड होगा कि भाई कौन सी टीम जो है वो बाजी लेके जाती है और कौन सी टीम जो है वो जो है रह जाती है. क्योंकि ये प्राइस पूल की बात करेंगे, उसके साथ साथ स्कोरिंग की बात करेंगे. तो प्राइस पूल जो है वो हमारे साथ देखने को मिल सकता है यहाँ पर, जो कि आज डिवाइड किया जाएगा. आज के ग्रैंड फाइनल का जो प्राइस पूल है वो $300 है, और $300 जो है वो डिवाइड किए जाएंगे. अगर बात करते हैं तो वीक वन के विनर को जो है $50 मिले थे, और वीक टू के भी विनर को जो है वो $50 मिले थे. लेकिन आज जो है वो तीन प्लेयर्स के दरमियान जो है वो प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि 150 जो है वो फर्स्ट प्लेस को दिया जाएगा, और 100 जो है वो सेकंड जो है वो प्लेस यानी कि सेकंड नंबर पे आने वाली टीम को यहाँ पर दिया जाएगा. और अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर थर्ड प्लेस पर, तो $50 थर्ड टीम को देखने को मिलने वाला है. तो एक बहुत ज़बरदस्त और एक यूनिक टूर्नामेंट आप लोगों के सामने था, जो कि अब मेरा ख्याल है कि ख़त्म हो जाएगा. आज लास्ट डे है, लास्ट डे की स्टीम है,
और ग्रैंड फाइनल है आपके सामने, तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड मैचेस भी रहे और काफ़ी ज़्यादा जो है वो टीमों के ऐसे ऐसे क्लिप्स जो जिनको हमने हाईलाइट्स करके इस चैनल के ऊपर अपलोड किया है। होपफुली कि आप उन वीडियोस को भी जो है वो चेकआउट करेंगे और उस पर भी देखेंगे कि क्या सीन रहे हैं, क्योंकि वो हाईलाइट्स में आप पूरा मैच देखने के बजाय हाईलाइट्स से जो है वो देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैचेस कैसे रहे हैं। और उसके साथ साथ गाइज आपको बताते चलें कि जो ये एच ओ बी कारवां पे एक जो आप लोगों के लिए कम्युनिटी कप लाया गया था, उस कम्युनिटी कप में एक ख़ास चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, जो कि हमारे मैनेजमेंट में भी थे काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग उनको जानते भी हैं, जिनकी मेहनत और जिनकी वजह से यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली हैं। वो स्पेशली मैं मोइज़ की बात करूँगा, जो कि एच ओ बी के मैनेजर भी हैं और एच ओ बी कारवां के मैनेजर भी हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जो है वो स्टार्ट लिया और जो है वो मैनेज किया और आज जो है वो इसके ग्रैंड फाइनल तक हम पहुँच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोगों ने भी देखा कि उनके जो है वो मामलात हमारे साथ जो है जिस तरीके से थे, पर्सनली तौर पे कह रहा हूँ, कोई ऐसी नहीं है कि मैं कोई उनके लिए तारीफ़ें करने वाला हूँ, लेकिन पर्सनली तौर पे वो बहुत एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया। उसके साथ साथ डिज़ाइनर्स की भी साथ में तारीफ़ करता चलूँ तो स्नाइपर भैया जो कि एच ओ बी कारवां के साथ लिंक है एज एक डिज़ाइनर, तो उनके वर्क से भी आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरटेन हुए होंगे। और उसके साथ साथ जो है वो हमारे साथ मुजम्मिल हैं और भी मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं जिन्होंने बड़ा साथ दिया, और फाइनली गाइस फाइनली हम लोग जो है वो इस टूर्नामेंट के अख्ताम पर आ चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं आज की टीम्स की जो कि आज प्ले करने वाली हैं, और टीम्स जो हैं हमारे साथ एंग्री किंग्स दिखाई दे रही हैं, अनस्टॉपेबल्स की मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी, जो कि हमने ग्रुप स्टेजेस में इनकी परफॉर्मेंस देखी थी, और रॉयल फोर्स है, टीम एक्स पार्क है, फाइव म्यूटर्स खेलती हुई नजर आएगी पीके बटालियन, टीम फैल्कन्स, रेडी टू रश और टीम कार्टून नेटवर्क, और उसके साथ इन फेमस ई स्पोर्ट और स्लेयर्स और एज ए नॉन ई स्पोर्ट। तो काफ़ी बंदे कह रहे थे यहाँ पर एच ओ बी नहीं है या फिर डीमस प्राइड नहीं है, तो बड़ी टीमें नहीं हैं, तो भाई कैसा जो है वो फाइनल रहेगा या क्या सीन रहेगा। तो मैं उनसे शेयर करता चलूँ कि यार ये टीमें भी तो अपनी मेहनत से आगे आई हैं और आज के फाइनल खेलती हुई नजर आ रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, तो ये काफ़ी है। अब बात कर लेते कमेंट सेक्शन की, तो एशटन ने मैं ज्वाइन कर लिया, डॉडी भैया को नाम लिख रहे हैं और डॉडी भाई ने भी मैं ज्वाइन कर लिया, क्या बात है डॉडी भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। आप क्यों नहीं कर रहे कास्टिंग डॉडी भाई, कास्टिंग क्यों नहीं कर रहे? अच्छा जी, शानी गुरु स्पैम होना चाहिए ब्रो, कोकोमो इज लव, क्या बात है, गुरु एंड डॉडी शानी कह रहे हैं। चलेंगे गाइस यहाँ पर डॉडी भी लाइक, मैं कोकोमो खा के इंजॉय करूँगा, क्या बात है। चलें गाइस टीम्स की तरफ चलेंगे, उसके साथ साथ हमजा तुम्हें वो आ गई नजर स्क्रीन? जी जी असलाम भाई आ रही है। हाँ अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक उसामा भाई, आप कैसे हैं पहले तो ये बताएं। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस हमारे साथ जो हैं वो हमजा फरूकी भी जुड़ चुके हैं, जो कि आज के फाइनल में हमारे साथ एज ए गेस्ट कास्टर देखने को मिलेंगे, और वो भी आपको बताएंगे कि क्या सीन है आज के फाइनल का, काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि न्यू ईयर भी है गाइस, और साथ ही साथ में आप लोगों के लिए एक न्यू टूर्नामेंट का फाइनल भी है, तो बड़ा जो है ज़बरदस्त सीन देखने को मिलेगा। हमजा क्या कहते हो, पब्लिक आज अपनी यू स्पोर्ट दिखाए, क्योंकि अगर इस तरह के टूर्नामेंट्स और ऐसे ही जो है लीग्स या मैं कहूँ कि इस तरह की जो है कम्युनिटी कप देखना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट भी करनी पड़ेगी, वरना ऐसे टूर्नामेंट्स आएंगे और फिर चले जाएंगे और फिर बस हम हाथ मलते रह जाएंगे। बिल्कुल गुरु भाई, सबसे पहले जो है एच ओ बी कारवां जिनका फर्स्ट टूर्नामेंट हमें देखने को मिला है इस कम्युनिटी में, तो बहुत सबसे पहले उनको मुबारकबाद है कि उनका एक टूर्नामेंट जो है अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, जो कि काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है। आई थिंक ऐसे टूर्नामेंट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से इसको स्पॉन्सर किया गया हुआ है, तो आई थिंक ये बहुत ही ख़तरनाक रहने वाला है टूर्नामेंट। और अब जो है फाइनल्स की तरफ बढ़ चुके हैं, ग्रैंड फाइनल्स है आज, और बहुत ही मेहनत करके टीम्स यहाँ पे पहुँची हैं, जिस तरीके की हमने देखी है यहाँ पे अंडररेटेड टीम्स हमें इतनी देखने को मिल रही हैं, जैसे कि एच ओ बी है, ए डी पी है, ये टीम्स हमें इसमें नहीं देखने को मिल रही है। उनके अलावा जो टीम्स की बात कर लें, जैसे कि दी रॉयल फोर्स हो गई है, रेडी टू रश हो गई है, अनस्टॉपेबल्स की आपने बात की है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, बिल्कुल इसी तरीके से पी के बटालियन एक डाउनफॉल आया बीच में, वापसी से जो है ग्रो करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, और आज इस जो है प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए
ग्रैंड फाइनल्स के, जिसमें आज हमें कार्टून नेटवर्क भी एक नई लाइनअप के साथ हमें खेलते हुए दिखाई देगी। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज के मैचेस के लिए और होपफुली के ये मैचेस जो है एक विल पावर अपनी जो है यहाँ पे प्रोवाइड करें और जितने भी व्यूअर्स हैं सबको अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी टाइम के बाद हाजिरी हुई है। बिल्कुल ओके गाइस, यहाँ पर हमजा जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर जब वो टीम्स, बेशक हमारे साथ ऐसी टीम्स हैं जो कि शायद आप पहली दफ़ा भी इनका नाम सुन रहे हो, लेकिन इन टीमों ने अपने आप को मनवाया है और इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी चीज़ें जो है वो बाकी टीम्स को भी सीखने को मिलेगी। लेकिन बाकी टीम्स की बात करते हैं तो टीम एक्स पार्क है, फाइव म्यूटेंट्स हैं यहाँ पर हमारे साथ जो कि एक हम कह सकते हैं पुराना टैलेंट है और वो आज इन टीमों के दरमियान कैसी परफॉर्मेंस देते हैं आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये भी वो टीमें हैं जिनको अब टक्कर देने वाली हैं। यहाँ पर कार्टून नेटवर्क जैसी टीम या अनस्टॉपेबल या पी के बटालियन जैसी टीम तो काफ़ी खतरा बढ़ सकता है। लेकिन गाइस हम मैप्स की बात कर लेते हैं तो मैप्स की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे बरमूडा मैप, प्रोगेटरी मैप, कलहारी मैप, अल्पाइन मैप और बरमूडा मैप और कलहारी। छः मैचेस ही हैं और इन छः मैचेस में ही डिसाइड होगा कि आज का जो ग्रैंड फाइनल है वो कौन जीतने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा प्राइज़ पूल है और इतने बड़े प्राइज़ पूलों को अगर किसी भी टीम ने जीतना है तो उनको अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी और जो है वो खेल कर दिखाना पड़ेगा। लेकिन खैर हमसे क्या कहते हो, बरमूडा मैप है पहला मैप है, आपको क्या लगता है कि टीम की स्ट्रेटेजी कैसी रहने वाली है जिस तरीके से अभी वो स्टार्ट देंगे इस ग्रैंड फाइनल का? गुरु भाई यही कहेंगे कि इस बार जो है बरमूडा कह सकते हैं कि काफ़ी ओल्ड मैप हो चुका है और काफ़ी जो है मेरे ख्याल से काफ़ी टीम्स का फेवरेट भी रहता है ये मैप। लेकिन देखना यह है अब हर टीम का फेवरेट है और हर टीम एक नई जो है स्ट्रेटजी यहाँ पे लाएगी, क्योंकि हर जगह से हर स्ट्रेटजी यहाँ पे मेरे ख्याल से सबसे पहले यहाँ पे डिप्लॉय हो जाती है। लैंडिंग स्पॉट्स यहाँ पे जो है हम आप लोग को बताते चलेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पे टीम नंबर 12 की जो यहाँ पे बीमा शक्ति स्ट्रिप की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पे फाइव म्यूटेंट्स का भी डेरा हमें जमाते हुए दिखाई दे सकते हैं अपनी पुरानी लैंडिंग स्पॉट पे पीक की तरफ जाते हुए। लेकिन अभी ब्लू जोन का रुख यहाँ पे कर लिया गया है टी फैल्कन्स की जानिब से इन फेमस के साथ, जो कि इन फेमस हमेशा से ब्लू जोन का ज़्यादातर इंतखाब करी जाती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फाइट हो चुकी है, बिल्कुल से प्लेयर आएंगे, एक प्लेयर को नॉक करेंगे डायमंड और अंदर की तरफ रश करेंगे, सेकंड नॉक करेंगे यहाँ पे उतरते ही साथ। थॉमसन का इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक तरीके से दिखाया जा रहा है, सेकंड किल को भी कंफर्म किया जाएगा यहाँ पे और अभी जो है दी फैल्कन्स को दो किल की मदद मिल चुकी है। यहाँ पे काफी जो है बहुत ही खतरनाक मैं कह सकता हूँ कि एक फाइट हमें देखने को मिली थी, अपने प्लेयर को जो है रिवाइव दिया गया, बास यहाँ पे काफी लो कर दिए गए अपोनेंट टीम। यहाँ पे देखना होगा किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएगी, एसेट जाएंगे अब ऑलमोस्ट डाउन, ओ माय गॉड यहां पे सही वक्तों पे पहुंच चुके ओपोनेंट प्लेयर और यहां पे अब्बासी को जो है रिवाइव कर दिया जाएगा। काफी अच्छा स्टार्ट हमें दी फैल्कन्स की जानिब से मिला है, स्टार्टिंग में 3 किल्स हमें देखने को मिले, अनस्टॉपेबल्स की बात कर ले 2 किल मिल चुके हैं उन्हें और मेरे ख्याल से हर टीम को जो है शुरू से ही अपने आप को जो है इतना मजबूत यहां पे दिखाना होगा, इतना मजबूत आना होगा कि यहां पे किसी को भी जो है गलती की गुंजाइश नहीं मिलेगी। ग्रैंड फाइनल से फाइव म्यूटेंट्स पीक से जो है रुख करते हुए दिखाई दिए जा सकते हैं। टीम एक्सपार्क की बात कर लें, फाइव म्यूटेंट्स बिल्कुल आके जाएंगे, एक प्लेयर मौजूद है ब्लैक हॉक मौजूद है जो कि काफी खतरनाक प्लेयर जाने जाते हैं इस कम्युनिटी में। लेट्स सी क्या मामलात होते हुए दिखाई देंगे, ब्लैक हॉक मौजूद है, डैमेज देंगे टू फेस, क्या ब्लैक हॉक टीम फाइव म्यूटेंट्स नहीं, यहाँ पे काफी खतरनाक हेडशॉट लगा है बहुत ही कम एचपी के साथ, क्या वजूहत हो सकती है अपनी टीम से अलग आने के लिए ब्लैक हॉक द लास्ट ओ माय गॉड, चारों तरफ से घेर लिया गया है और यहाँ पे ये बहुत ही जो है मेरे ख्याल से जो है टीम एक्सपार्क के लिए यहाँ पे टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि एक प्लेयर जो कि मेन प्लेयर है ब्लैक हॉक यहाँ पे वो जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन गुरु भाई ऐसा लग रहा है मुझे कि जोन पहला जोन बन चुका है, लेकिन अभी तक आप नजरें दौड़ाएं तो सारी टीम्स इस वक्त जो है 2-3 टीम ही होंगी जो जोन के अंदर है, बाकी सब अपनी क्लैश करते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली, और ये फाइट मैंने ग्रुप स्टेजेस में भी देखी है यहाँ पर जो कि टीम एक्स पार्क और पीके बटालियन के दरमियान रहती है। टीम एक्स पार्क के लिए शुरुआत जो है वो अच्छी होना जरूरी होती है, लेकिन पीके बटालियन जब से ये ग्रुप स्टेजेस भी चल रहे हैं और अब ग्रैंड फाइनल तक ये सीन आ चुका है तो टीम एक्स पार्क भी ये जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसके साथ साथ पीके बटालियन जिस तरीके से उनके लिए खतरा बने दिखाई दे रही है, हमने देखा है ग्रुप स्टेजेस में भी कि काफ़ी दफ़ा उनको यहाँ पर जो है वो ख़त्म किया है और ख़त्म कहानी की है बरमूडा मैप में। लेकिन इस बार देखते हैं गाइस क्या सीन रहता है, अभी भी 2 प्लेयर्स रह चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी खतरा बढ़ सकता है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर एक और फाइट भी चलती हुई नज़र आ रही है,
जो कि हमें अभी भी यहाँ अनस्टॉपेबल के दरमियान देखने को मिलेगी, वो टीम फैल्कन्स के करीब है और 4 किल कर चुके हैं यहाँ पर अनस्टॉपेबल। और मैंने इनकी ग्रुप स्टेजेस में जो परफॉर्मेंस देखी थी उसके तहत भी मैं कह सकता हूँ कि ये टीम आज के फाइनल में काफी खतरनाक खेल सकती है और काफी मुश्किलों में डाल सकती है यहाँ पर टीम्स को, क्योंकि यहाँ पर अनस्टॉपेबल्स के प्लेयर्स तो हमें दिखाई दे ही रही है लेकिन बैक साइड पर टीम फैल्कन्स के भी 2 प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी का मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो है वो सास तक भी हुआ है अनस्टॉपेबल को। तो यहाँ पर जो है वो काफी जो है वो दूरियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि वो ढूंढ रहे हैं लेकिन वो बैक साइड पे भूल आए हैं कि टीम फैल्कन्स के 2 प्लेयर्स बिल्कुल उनके बैक साइड पे ही मौजूद हैं और यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, टीम फैल्कन के अब्बासी यहाँ पर जो थोड़े से दूर दिखाई दे रहे थे उनको शायद यहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश की जाए। यहाँ पर एसेट को काफ़ी डैमेज दिया गया है टीम फैल्कन के और लेट्स सी कि यहाँ पर जो है वो क्या सीन रहने वाला है। तो यहाँ पर हमारे साथ गाइस गुरु तेरी आवाज़ से इश्क हो गया मुझे, लेजी वाइटी कह रहे हैं, अरे भाई फ्रोस्ट मोलवी 129 यहाँ पर शिकारी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, हिटमैन भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, फ्रोस्ट भी यहाँ पर आ चुके हैं, पीके बटालियन यहाँ पर जो है हमारे साथ क्विंट सेक्शन में भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो है वो गेम में भी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी ज़बरदस्त एक इनकी तरफ से सपोर्ट भी आ रही है। कार्टून नेटवर्क एकदम से भाई वाइट कलर से ब्लैक कलर में आ गई है, मतलब आज लग रहा है कि हमजा ब्लैक कलर में कुछ अलग सीन करने वाली है। मुझे लगता है कभी कभी कुछ चेंजिंग जो है वो टीम के लिए खतरनाक होती है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से काफी मुतासिर हुआ, यहाँ पे व्हाइट कलर ब्लैक से व्हाइट में आ चुकी है और यहाँ पे गुरु भाई एक नई लाइनअप हमें देखने को मिलती है ना, जिस तरीके से अलोन थे पहले हमें डिटरमिनेशन में खेलते हुए दिखाई दिए थे, फिर बीच में कहीं ना कहीं मुझे बहुत सी टीमों में दिखाई दिए, अभी नाम तो इतने हैं कि अब क्या ही बताओ। तो अभी जैसे कि हमने देखा है किंग हमें खेलते हुए दिखाई दे रहे, काफी ओल्ड प्लेयर है जिस तरीके से, यहाँ पे रहील एक नया नाम हमें देखने को मिल रहा है, शानी जो कि NSK से खेलते थे पहले। लेट्स सी इस लाइनअप से जो है कितना मुतासिर करते हैं अपने चाहने वालों को, एक दफ़ा फिर से फैक्ट्री पे डेढ़े जमा के रखे हुए। यहाँ पे एंग्री किंग्स की बात कर ले जो कि AK राणा की कयादत में ग्राउंड में उतरी हुई है, लेट्स सी क्या मामलात होते हैं, डेड शॉट वगैरह सब है, बिल्कुल यहाँ पे फायदा हो सकता है कार्टून नेटवर्क को। गुरु भाई यहाँ पे कार्टून नेटवर्क भी मौजूद है और एंग्री किंग्स भी इनके काफ़ी करीब है, टावर पे निशाना बनाया जा रहा है, एक प्लेयर को ज़रूर नॉक करेंगे लेकिन बासानी रिवाइव दिया जाएगा। इन फेमस के साथ जो है हमारी क्लैश लैंडिंग होते हुए दिखाई दी गई थी, लेकिन द फैल्कन्स एक टीम को ठिकाने लगाने के बाद जो है वापसी जो है अपनी जो जगह को अनस्टॉपेबल्स के साथ लड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि वापसी से इन फेमस ब्लू जोन के अंदर मौजूद है, अपनी लूट को कंफर्म करते हुए दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या प्लान्स हैं। अनस्टॉपेबल एलिमिनेट हो चुकी है जो कि मेरा ख्याल है कि मुझे भी पता नहीं चला कि कैसे और कैसे हुआ, लेकिन खैर जो भी हुआ है यहाँ पर अचानक से हुआ है और मैंने अभी अचानक चेक किया है कि इन फेमस ईस्पोर्ट उनकी जगह पे मौजूद है और यहाँ पर अनस्टॉपेबल का बिल्कुल भी निशान नहीं है और वो एलिमिनेट हो चुकी है। सबसे पहली टीम हमारे साथ आज के ग्रैंड फाइनल के पहले मैच में एलिमिनेट होती हुई नजर आई है, तो वो यहाँ पर हमारे साथ अनस्टॉपेबल रहने वाली है। उसके अलावा अगर बात कर लेते हैं बाकी टीम्स की, तो थोड़ी दूर दिखाई दे रही हैं, PK बटालियन को आप देख सकते हैं बिल्कुल ही वो मैप के अंदर जो है वो जोन के अंदर मौजूद है और उनका यहाँ पर अभी तक रोटेशन नहीं आई, लेकिन अभी उनके तरफ देखा जाए तो 9 मेडिकेट्स हैं इनके पास, इनके पास उमर के पास मेडिकेट्स का थोड़ा इशू हो सकता है क्योंकि 2 मेडिकेट्स हैं, लेकिन 4 मेडिकेट के साथ जेंटल भी मौजूद हैं, मदारा 9 मेडिकेट के साथ मौजूद हैं। तो यहाँ पर PK बटालियन की अभी तक रोटेशन नहीं आई, 2 किल कर चुके हैं जिन्होंने टीम एक्सपायर के प्लेयर्स को यहाँ पर जो है वो खत्म किया था। लेकिन अगर बात करते हैं ज़ेनॉन ईस्पोर्ट की, तो ये फाइट होती हुई दिखाई दे सकती है जो कि हमारे साथ ही मौजूद है यहाँ पर टीम रॉयल फोर्स। क्या लगता है हमजा, यहाँ पर रॉयल फोर्स और ज़ेनॉन ईस्पोर्ट की यहाँ पर ये फाइट किसके हक में जाने वाली, क्योंकि थोड़ा सा मैन एडवांटेज रहेगा यहाँ पर ज़ेनॉन ईस्पोर्ट को। बिल्कुल गुरु भाई, यहाँ पे दोनों ही टीम काफ़ी ख़तरनाक है जिस तरीके से, रेडी आई थिंक ज़ेनॉन ईस्पोर्ट्स और यहाँ पे रॉयल फोर्स हमें खेलते हुए दिखाई दे रही है, रॉयल फोर्स की भी काफ़ी सपोर्ट हमें लाइव सेक्शन में दिखाई दे रही है, लेकिन देखना है किस तरीके से फाइट को हैंडल करेंगे। इस वक्त देखा जाए दोनों ही एकदम एक कहते हैं पैरेलल खड़े हुए, लेकिन अभी तक कोई शॉट लगाने का मुझे यहाँ से कोई ऐसे देखने को नहीं मिला है दोनों टीम्स की जानब से, काफ़ी जो है एकदम सोच से जो है काम लिया जा रहा है और यहाँ पे रिवाइवल पे भी जो है एक बंदा आता है दावत देने के लिए, लेकिन पीछे से एंट्री हो सकती है सिलियर्स की। बिल्कुल सिलियर्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं, सिलियर्स है भी? हाँ बिल्कुल, ये सिलियर्स हैं और मुझे लगता है अगर सिलियर्स यहाँ पर रुकती भी है तो सैंडविच होने के चांसेस हैं उनके, लेकिन खैर यहाँ पर उन्होंने रोटेशन बना ली है और स्टॉप नहीं हुई यहाँ पर, और जिस तरीके से ज़ेनॉन और ऑलरेडी
रॉयल फोर्स मौजूद है यहाँ पर इस जगह पर, और ये बिल्कुल यहाँ पर व्हीकल को डिस्ट्रॉय किया गया है टीम जिनोनी स्पोर्ट का। अब टीम स्लेयर्स की तरफ अटैक, लेकिन वो भूल चुके हैं क्योंकि बैक साइड पे रॉयल फोर्स भी थी। अगर वो इनके साथ फाइट में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो यहाँ पर डाउन कर रहे हैं या फिर उनको खत्म भी करते हैं, तो रॉयल फोर्स उनके लिए बाद में खतरा बन सकती है। लेकिन खैर फिलहाल के लिए वो यहाँ पर थोड़ी सी स्लेयर्स की जानिब जो है वो शूट करते हुए नजर आए और काफी ज्यादा उनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिए कि यहाँ पर जो है मौजूद है। और दूसरी जानिब यहाँ पर टीम एक्स पार्क यहाँ पर दो प्लेयर्स हमें ज्वाइन होते हुए तो नजर आए, लेकिन दोनों को डाउन कर दिया गया आई थिंक सो एक नेट के साथ। एंग्री किंग का एक नेट जो है वो आया है और दोनों बंदे यहाँ पर डाउन कर दिए। टीम एक्स पार्क एक और प्लेयर भी वहीं पर है भाई, ये बंदा अगर नहीं बचता तो मुझे लगता नहीं है कि, अरे भाई 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 तीनों प्लेयर्स डाउन है भाई। एंग्री किंग्स ने नीचे से तीनों बंदों को यहाँ पर खत्म कर दिया है और जो लास्ट प्लेयर बचे हैं मुझे नहीं लगता कि हम सब वो भी कहीं ना कहीं जोन में पहुंच पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की उनकी हालत हो चुकी है खुरी की, उनके पास एक मेडिकेट बिल्कुल गुरु भाई यहाँ पे दो मेडिकेट्स के साथ। जी जी एग्जैक्टली, यहाँ पर मेडिकेट्स भी नहीं है अपनी टीम को रिवाइव करने के लिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर टीम एक्सपार्क इस तरीके से एलिमिनेट होगी, वो भी ग्रैंड फाइनल के पहले मैच में, तो ये बहुत बड़ा बैड पैच हो सकता है। लेकिन खैर यहाँ पर फिलहाल के लिए यहाँ पर एंग्री किंग्स ने बड़ा ही जबरदस्त, राणा ने यहाँ पर जो नेडिंग की है, उन्होंने तीन प्लेयर्स को सपोर्ट कर लिया कि वो ऊपर आके बैठे हैं, उसके बाद उन्होंने इस जगह को होल्ड भी करना था और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने यहाँ पर जो है वो खत्म किया। लेकिन यहाँ पर टीम फैल्कन की फाइट होती हुई नजर आई है इनफेमस के साथ और यहाँ पर किल जाएंगे और इनफेमस के सिर्फ एक ही प्लेयर हमें बाकी रहते हुए नजर आएंगे और टीम फैल्कन यहाँ पर 8 किल कर चुकी है और हमजा 5 किल के साथ मौजूद है यहाँ पर टीम फैल्कन के एसेट। बिल्कुल सामा भाई, इनकी ऑब्जर्वेटरी ब्लू जोन में जो इनफेमस के साथ फाइट हुई, उसके बाद अनस्टॉपेबल्स आई, तो इनको वहीं पे काफी जो है किल्स हमें इकट्ठे करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन यहाँ पे फाइट हो चुकी है मार्स इलेक्ट्रिक पे, तीन टीमों ने डेरा जमाया, लेकिन अभी फाइट जेनॉन स्पोर्ट्स वर्सेस सिलियर्स के दरमियान है। सारे प्लेयर्स शॉर्ट रेंज की फाइट यहाँ पे क्या नॉक कर पाएंगे, बिल्कुल नॉक करेंगे, यहाँ पे सिलियर्स को शट डाउन करेंगे। गुरु भाई क्या देखने को मिल रहा है फर्स्ट मैच में, टीम एक्स पार्क एक दफा जो है उनका जो है डाउनफॉल आया हुआ है, एक तरफ सिलियर से एलिमिनेट हो रही है, लग रहा है कि लड़के बाजी मार जाएंगे आज। बिल्कुल आज न्यू टैलेंट बता रहे हैं कि भाई हमारे में बेशक पुरानी दो टीमें भी हैं, लेकिन हम उनको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि हम अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो हम किस वे में पहुंचे हैं। तो कार्टून नेटवर्क की बात कर लेते हैं, वहीं पे जो है वो होल्ड कर रही है, जबकि ये एक ऐसी जगह है मेरा नहीं ख्याल के जहाँ पर उनके पास एक अच्छा कवर है, उसके बाद भी यहाँ पर किया जा रहा है। और ये देखिए एंग्री किंग्स को लाइक गिफ्ट्स मिल रहे हैं और ये गिफ्ट्स न्यू ईयर की गिफ्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फैक्ट्री की छत के ऊपर से किल्स बटोर रहे हैं, पहले 3 किल उन्होंने टीम एक्सपायर के बटोरे जो कि बिल्कुल भी उन पर शूट नहीं कर रहे थे, बहुत सुकून से इत्मीनान से मोहब्बत से ऊपर बैठे थे, लेकिन उनको राणा साहब ने जो है वो तीनों को ख़त्म किया और उसके बाद जो है वो किल्स बटोरे। लेकिन उसके बाद अब 2 किल्स टीम RTR के भी ले लिए हैं और अब कार्टून नेटवर्क के साथ इनकी फाइट स्टार्टिंग में हमने देखा है कि तब से होनी चाह रही थी लेकिन अभी तक नहीं हुई, क्या कार्टून नेटवर्क हिम्मत करेगी यहाँ पर एंग्री किंग्स के साथ फाइट लेने, क्योंकि एक ही बंदा नीचे बाकी तीन बंदों को कैसे मारेगी। बहुत खतरनाक देखने को मिल रहा है गुरु भाई, जिस तरीके से हमें फाइट्स देखने को मिल रही है बहुत ही जो है इंप्रेशन मेरा अभी से काफी, और ये एक और किल मेरे ख्याल से टीम एंग्री किंग्स के हक में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल दी फैल्कन्स के दो ही प्लेयर बचे हैं और एक प्लेयर जो है फैक्ट्री की छत पे आ चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली पूरी एंग्री किंग्स के राणा अब्दुल्ला साहब ने वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने नीचे भी सीन किया हुआ है कि अगर तुम्हें बंदे का दिल करे भाई ऊपर नहीं आना, लेकिन मुझे लग रहा है टीम फैल्कन के दो बंदे आ चुके हैं तो ये लॉन्चर के साथ आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, तो ये मुश्किलें खड़ी करेंगे। यहाँ पर एंग्री किंग के दो बंदे नीचे दिखाई देने, दो ऊपर दिखाई दे, लेकिन उसके साथ साथ हारून जो है वो इनफेमस के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन वो ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि G18 से शायद इतना ज्यादा डैमेज ना जाए ऊपर वाली साइड से। लेकिन ये देखेंगे ऐसे लॉन्चर्स यूज किए जा रहे हैं, टीम फैल्कन के जो है वो अली काफी तैयारी से आए हैं, अगर वो लॉन्चर से एक भी प्लेयर को डाउन करते हैं तो शायद थोड़ा सा एंग्री किंग को नुकसान उठाना पड़ जाए, लेकिन एंग्री किंग्स अभी भी गिफ्ट उठाएगी अगर यहाँ पर एक अच्छी गेम प्ले इनकी जानिब से की जाती है। तो एंग्री किंग के साथ साथ हम बात कर लेते हैं बैक साइड पे हमारी फाइट चलती हुई नजर आ रही है टीम रॉयल फोर्स और जिनोन ईस्पोर्ट के दरमियान, जो कि जिनोन ईस्पोर्ट ने आई थिंक सो एलिमिनेट किया था यहाँ पर टीम हमारे साथ स्लेयर्स को, तो अब यहाँ पर खुद खत्म होने के करीब है, जहाँ पर जिनोन के सिर्फ क्रिमिनल रह चुके हैं और सिर्फ वो इंतजार कर सकते कि टीम जो है वो उनको बगैर कुछ के आगे बढ़ जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। स्कैरी ने यहाँ पर शायद पीछे से देख लिया और यहाँ पर क्रिमिनल खत्म हुए, तो यहाँ पर ओके गाइस टीम फैल्कन एलिमिनेट और यहाँ पर ओ एक प्लेयर को डाउन किया एंड गाइस
यहाँ पर टीम जीनॉन जाते जाते डाउन तो कर चुकी थी, लेकिन खुद भी यहाँ पर दो बंदों को यहाँ पर अपने साथ लेकर जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि पीके बटालियन आ चुकी है। पीके बटालियन यहाँ पर ये किल उठाने की जरूर कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर जाते जाते नुकसान दिया है। हमारे साथ टीम फैल्कन एलिमिनेट हो चुकी है, टीम जीनॉन ईस्पोर्ट एलिमिनेट हो चुकी है, और यहाँ पर आरएफ यानी कि रॉयल फोर्स के भी सिर्फ लीडर रह चुके हैं, और यहाँ पर पीके बटालियन की एंट्री बड़ी खतरनाक आती हुई नजर आई है। लेकिन 7 किल, क्या कहते हैं हमजा, 7 किल आ चुके हैं यहाँ पर टीम एंग्री किंग के। और ये देखिए, ये तो मतलब लाइक गिफ्ट मिल रहे हैं इनको, ऐसे नेडिंग करेंगे ऐसे कुछ ना कुछ ये लें। ये हारून काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं। नहीं, ये मुझे लगता है कि नीचे आ गया। हाँ, ये नीचे आ गया शायद, और उतना नुकसान नहीं गया। और यहाँ पर जो है वो एंग्री किंग्स ने बड़ा जबरदस्त जो एलोकेशन पकड़ी हुई है, 7 किल के साथ मौजूद है। आरएफ के लास्ट प्लेयर रह चुके हैं और मुश्किल लग रहा है यहाँ पर। और हमजा, हमने पूरी गेम में अभी तक 5 म्यूटेंट्स की बात नहीं की, और अचानक से अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 म्यूटेंट भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, 5 म्यूटेंट्स एक काफी जबरदस्त टीम है। रॉयल फोर्स को जो है यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है। 5 म्यूटेंट्स पोचे डॉग से जोन को कवर करते हुए दिखाई देगी, लेकिन क्या इसका फायदा एंग्री किंग्स जो कि फैक्ट्री की छत पे एक मजबूत लोकेशन के साथ मौजूद है वो उठा सकते हैं, या पीके बटालियन जो कि मार्स इलेक्ट्रिक के रेंज पे मौजूद है? बिल्कुल फाइट होगी, दोनों टीम्स यहाँ पे जो है एक दूसरे को जो है फायर पावर अपना दिखाएंगे, लेकिन देखना यह है कार्टून नेटवर्क अपनी पूरी टीम के साथ नीचे एंग्री किंग्स का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि चारों तरफ टीमें हमें देखने को मिल रही है, और एक बेचारा उसमें आप देख रहे हैं रेडी टू रश के लीडर जो है कंटेनर के अंदर एक महफूज मुकाम पे बैठे हुए हैं, उनको कंपनी देने के लिए यान भी वहीं पे उनके साथ ही मौजूद है। अच्छा, अच्छा। जिस तरीके से वो दोनों बैठे हैं उन्होंने अपनी मौजूदगी के साथ ही चलाया, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि कार्टून नेटवर्क एक चांस है उनके पास, वो के एंग्री किंग्स को अगर यहाँ पर पकड़ती है तो शायद थोड़ी मुश्किलें उनके लिए खड़ी कर दें। लेकिन एंग्री किंग जिस तरीके से जा रही है मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर वो जो है इतनी आसानी से यहाँ पर जो अपने आप को खत्म होने देगी। लेकिन यहाँ पर अब्दुल्ला डाउन हो चुके हैं, राणा डाउन हो चुके हैं, और के सामने से सब टीमें उन्हीं पर जो है वो दावा बोल चुकी हैं, और बचने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। लेकिन अगर बात करते हैं, अगर यहाँ पे कवर लेते हैं तो आरटीआर के साथ मुलाकात हो सकती है, उसके साथ साथ कार्टून नेटवर्क भी बिल्कुल उनके साथ ही मौजूद है, और ये दोनों प्लेयर्स यहाँ पर, दो प्लेयर्स कार्टून नेटवर्क के साथ यहाँ पर रोटेशन ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये 3 टीमें और तीनों टीमों के 2-2 बंदे हैं यहाँ पर। ओके गाइस, यहाँ पे पहले कार्टून नेटवर्क हो जाएगी, और उसके बाद की बात करते हैं तो यहाँ पर आरटीआर को यहाँ पर हमारा साथ छोड़ना पड़ेगा। अब बचिए सिर्फ एंग्री किंग्स, और उनके पास ग्लूवाल नहीं है। ओके, एंग्री किंग्स को भी एलिमिनेट किया गया है, और अब क्या लगता है यहाँ पर हमजा, हमारे साथ 2 ऐसी टीमें हैं जो कि पीके बटालियन है और 5 म्यूटर्स, कौन भुया लेकर जाएगी और कौन यहाँ पर पहले मैच का भुया निकालेगी आज के ग्रैंड फाइनल का? बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस हो चुकी है, द फाइट लास्ट बिटवीन 5 म्यूटेंट्स एंड पीके बटालियन। लेट्स सी, यहाँ पे 4 बंदे और 1 बंदे का मुकाबला करते हुए दिखाई दिए जा रहे थे, मगर इस फाइट को 5 म्यूटेंट्स करेगी खत्म, और यहाँ पे पूरा कंफर्म किया जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे MVP बिल्कुल सच, हमें साइक हमें जो है यहाँ पे एक MVP का बैच हासिल करते हुए दिखाई दिए, बहुत अच्छा तगड़ा हमें साइक दिखाई देंगे। और क्या बात है, मैंने जैसे बात की, हमने पूरे मैप में 5 म्यूटेंट्स की बात नहीं की, और एकदम से हमने अगर जब बात ही की है तो फिर उनको हम भुया की जगह भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करते हैं गाइस यहाँ पर किल्स की, तो मुझे नहीं लगता कि 5 म्यूटेंट्स के पास इतने किल थे। 6 किल्स के साथ उन्होंने भुया की है, ज्यादा मार्जिन नहीं रहने वाला पहले मैच के बाद, जहाँ पर 5 म्यूटेंट्स 18 पॉइंट के साथ है, पीके बटालियन 17 पॉइंट के साथ है, एंग्री किंग्स 18 पॉइंट के साथ है। और अगर यही हम डबल फिगर की बात करेंगे तो इन फेमस ने भी 10 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, बेशक वो 6 पर आए हैं, जिनोन ने टीम फैल्कन ने यहाँ पर 9th पे आके भी 10 पॉइंट्स यहाँ पर अपने लिए बना लिए हैं। तो टीमों के दरमियान ज्यादा मार्जिन नहीं रहने वाला, बेशक भुया 5 म्यूटर्स के खाते में गई है, पीके बटालियन के खाते में नहीं आई, एंग्री किंग्स के खाते में नहीं आई, लेकिन किल्स उन्होंने इतने कर लिए थे कि वो पॉइंट्स में टक्कर देते हुए नजर आएंगे पहले मैच में। बिल्कुल उसामा भाई, जिस तरीके से किल्स एंग्री किंग्स को मिले हैं, कह सकते हैं कि काफ़ी जो है इनका जो है बॉन्ड जो है लगा था वहाँ पे, और पीके बटालियंस ने भी काफ़ी स्ट्रगल किए इस मैच के लिए 17 पॉइंट्स, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छे पॉइंट्स हैं बाकी टीमों के मुकाबले में, एक एक पॉइंट का ही फ़र्क है। और इसी तरीके से फर्स्ट मैच यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेट्स सी के सेकेंड मैच जो है किसके हक में जाने वाला है, क्योंकि पहला मैच जो है लिया तो 5 म्यूटेंट्स ने, लेकिन एंग्री किंग्स ने भी यहाँ पे बाजी अपनी पूरी मारी है। लेट्स सी क्या मामला होते हैं। अच्छा, 5 म्यूटेंट्स की जो है थोड़ी सी बात करें, जिस तरीके से उनकी रोटेशन थी पहले, हालांकि मैप के पीच में उतरते हैं पीक पे, लेकिन पहले वो जाते हैं ब्लैक हॉक की तरफ, वहाँ पे एक फ्री का किल उनको लेट्स सी के मिल जाता है। तो इस मैच में देखना भी है कि किस तरीके की जो है पोजीशन हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी टीम्स जो है अपने जो है लैंडिंग स्पॉट्स और जो है
बाकी स्ट्रेटजीज को जो है चेंज करते हुए दिखाई देते हैं आफ्टर वन मैच। लेट्स सी के क्या मामला होगा। पुर्गेटरी मैच है काफी ओपन में। मैच के में हम अगर देखें तो बड़ी टीमों को बैड पैच आया है यहां पर, जिनमें मैंने यहां स्टॉपर की बात की थी कि वो एक बड़ी न्यू टेंटी टीम देखने को मिल रही है। 6 पॉइंट उन्होंने जरूर बनाए हैं। सबसे पहले जो है वो हमें एलिमिनेट होती नजर आई है। बाकी टीमों की बात करते हैं तो मैंने बताया कि 4 टीमें या 5 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने पहले मैच में इक्वल ऑलमोस्ट पॉइंट्स बनाए हैं। कोई ज्यादा मार्जिन नहीं रहेगा उनके पॉइंट के दरमियान। तो एक भूया बेशक 5 विकेट ने लिए, लेकिन उनको भी अंदाजा है कि उन्होंने कोई इतने बड़े के लिए एक बहुत बड़ा कोई सीन नहीं कर दिया कि अब वो सेकंड मैच या थर्ड मैच में थोड़ा आराम कर सकती है। तो टीमों में कॉम्पिटिशन है और इस कॉम्पिटिशन को और कंटिन्यू करेंगे प्रोगेटरी मैप के साथ जो कि स्टार्ट हो चुका है। और लेट्स सी गाइस प्रोगेटरी मैप में क्या होने वाला है, क्योंकि हमारा सेकंड मैप रहेगा। और मैं सबका थैंक्स कहूंगा जो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। होपफुली कि आपने लाइक बटन ज़रूर दबा दिया होगा और साथ ही साथ में गाइस सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि ऐसे टूर्नामेंट्स हमारे लिए आने चाहिए और आते रहेंगे, तो ही हम लोग जो हैं वो हमारी ई-स्पोर्ट जो है कम्युनिटी को और ग्रो कर सकेंगे। तो यहाँ पर कुछ शेयर भी किया जा रहा था कि ये सब जो है वो इनवाइटेड टीम्स हैं और कोई भी टीम सिलेक्टेड टीम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो है हमें न्यू टैलेंट टीम्स ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, जिनको यहाँ पर जो अपनी रजिस्ट्रेशन से आई हैं और उन्होंने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई है। एक किल ज़रूर मिलता हुआ नजर आएगा और स्टार्टिंग में ये किल जाएगा यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर टीम प्लेयर्स के खाते में, जो कि राजा जो है वो प्लेयर्स के एक किल करेंगे। प्लेयर्स का नाम भी हमने पिछले मैप में मतलब तभी पढ़ा जब वो ख़त्म होती हुई नजर आई है। बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी लास्ट मैच में। एग्री किंग्स जैसी जो है थोड़ी सी जो है डिस्टर्ब नहीं है टीम्स, बात कर लें टीम सिलियर्स की कर लें या जो है टीम एक्स पार्क की कर लें, काफ़ी डिस्टर्ब थी फर्स्ट मैच में, बैड पैच रहा, लेकिन इस मैच में उनको रिकवर करना होगा क्योंकि 6 ही मैच हैं, ग्रैंड फाइनल का प्लेटफॉर्म है, काफ़ी जो है प्रेशर होता है, काफ़ी जो है यहाँ पे डिस्टरबेंस होती है। लेट्स सी के किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। अनस्टॉपेबल्स की बात कर लें, टीम एक्सपार्क भी अब कहीं ना कहीं हमें जो है थोड़ा सा जो है अपने जो है सर्कल में खेलते हुए दिखाई देगी। इस बार जो है इब्रार फंस चुके हैं, सामने टीम जो है रेड हाउस के अंदर मौजूद है, यहाँ पे इब्रार का शॉट लगा सकते हैं। ब्लैक हॉक की बात कर लें, यहाँ पे मौजूद खुर्री को नॉक किया जाएगा, किलू लगा के आएंगे, रिवाइव की तरफ बढ़ेंगे, सामने से क्या रश की जो है स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अभी भी जो है टीम एक्सपार्क जो है अपना होल्ड करते हुए दिखाई दे रही है। एक काफ़ी अच्छा मौका था उनके पास, कर सकते थे, लेकिन सामने वाली टीम को कोई रिस्क नहीं लेना था अभी। तो लेट्स सी के क्या होता है। क्वेरी पर अपनी लूट को कंफर्म करते हुए दिखाई दे रही है टीम एक्सपार्क। पिछले मैच का बदला भी इस मैच में लेना होगा। टीम एक्सपार्क एक बहुत ही खतरनाक टीम है। सिलियर्स की बात कर रहा था मैं, सिलियर्स आजकल काफ़ी जो है छाई हुई नजर आ रही है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी खेलते हुए दिखाई देती है। अब लेट्स सी के क्या मामला होगा। टीम 5 म्यूटेंट जो कि पिछले मैच की बूया करने वाली टीम है, एक प्लेयर का नुकसान कर चुकी है। अब क्या यहाँ पे कार्टून नेटवर्क से यहाँ पे जो है फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं कह सकता हूँ काफी मुश्किल में आ चुकी है। अलोन नीचे वेट करते हुए दिखाई दे रहे, टू फेस को भी डाउन कर दिया गया है, 2 ही प्लेयर्स मौजूद है। यहाँ पे काफी जो है खतरनाक मामला हो सकते हैं। टीम पूरी कार्टून नेटवर्क वर्सेज 5 म्यूटेंट्स के सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद है और इस वक्त हाउस के अंदर जो है होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही तरीके वाला जो है डिसीशन यहाँ पे कार्टून नेटवर्क के साथ लिया गया है। नेटिंग की जा रही है, लेकिन जो है कवर के अंदर आ चुके हैं, क्रोनो भी जाया कर चुके हैं, हशु एंड साइक क्या यहाँ पे कर पाएंगे होल्ड, अपनी टीम की पोजीशन बचा पाएंगे। पॉइंट ज़्यादा थे लेकिन यहाँ पे अब लेवल कर सकते हैं उसको। एक तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक फ्रीजर और यहाँ पे नेट्स की जो है भरमार जा रही थी, एक प्लेयर को नॉक करेंगे, हेडशॉट देंगे, ओ माय गॉड, 2 प्लेयर्स को नॉक करेंगे, एक को कंफर्म किया जाएगा, प्लेयर को रिवाइव दिया जाएगा। यहाँ पे सुपर मेडिकेट का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। हर्षु 7-7, लेट्स सी कार्टून नेटवर्क वर्सेस 5 म्यूटेंट्स। दोनों टीम काफी खतरनाक जो है यहाँ पे गेम करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक किया, कंप्लीट किया, हर्षु इज ऑन फायर। जल्दी से भाई कमेंट सेक्शन में 5MT का टैग लग जाना चाहिए, काफी स्ट्रगल कर रहे हैं लड़के और यहाँ पे देखना है किस तरीके से जो है यहाँ पे संभलते हुए दिखाई देंगे हर्षु यहाँ पे। अच्छा अभी गुरु भाई आप देख रहे हैं अलोन नीचे अभी भी जो है वेट कर रहे हैं, 4 बंदे थे लेकिन कहीं ना कहीं दिल में डर अभी भी है कि हम ऊपर जाके रश करते तो हमें ही कोई नुकसान ना उठाना पड़ जाए। काफी जो है इतिहाद से काम लेती हुई नजर आ रही थी कार्टून नेटवर्क और मे बी इसका फायदा जो है 5MT को हुआ है। भाषु नीचे आ चुके हैं, लगता है कि फाइट के मूड में नीचे आए, लेकिन अभी फैसला कर लिया गया है यहाँ से निकलने का। और साइक जो है अभी भी ऊपर ही बैठे हुए हैं, 2 प्लेयर्स जो है
यहाँ पे कार्टून नेटवर्क के हमें होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे थे, अब साइक भी निकलने की कोशिश करेंगे। कार्टून नेटवर्क के प्लेयर्स को बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि प्लेयर हम यहाँ से जा चुके हैं। लेट्स सी क्या मामलात होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर स्पॉट कर लिया गया साइक को, लेकिन एक बात है कि यहाँ पर फाइव मीटर ने अपनी बहुत अच्छी जो है वो पोजीशन बचाई है, क्योंकि हम देख रहे थे कि इस हालत पे आ चुकी थी फाइव मीटर के एलिमिनेट भी हो सकती थी, क्योंकि दो प्लेयर्स रह चुके थे और नीचे चार प्लेयर्स मौजूद थे कार्टून नेटवर्क के। एक साथ रश नहीं किया गया, थोड़े घबराए हुए दिखाई दिए और उस घबराहट में ही अपना एक बंदा भी खो दिया, और उसके साथ साथ जो है अब ऐसी सिचुएशन में है कि वो अब एलिमिनेट नहीं कर सकते फाइव मीटर को, क्योंकि फाइव मीटर के एक प्लेयर तो यहाँ से निकल के जा चुके हैं। लेकिन अभी भी देखें दो बंदे उन पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मजा लेके उनको आसानी से खत्म किया जा रहा है। पता चल रहा है कि एक बुया करने वाली टीम अपने आप को जो है वो यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस से होल्ड करवा रही है और टीम को बता रही है कि वो एक ऐसी टीम को खत्म करने के लिए आए हैं जो कि आसान ही रहेगा। ओके, हाशू यहाँ पर आ चुके हैं और हाशू को यहाँ पर डाउन किया गया है। अब मुझे लग रहा है कि खतरा बढ़ चुका है, अब लग रहा है कि यहाँ पर खतरा बढ़ चुका है और साइक की एचपी बहुत ज्यादा ही कम रह चुकी है और यहाँ पर एलिमिनेट होती हुई नजर आई। बुया करने वाली टीम को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाता है कार्टून नेटवर्क की जानिब से भी, और कहीं ना कहीं वो जो दो किल थे कार्टून नेटवर्क के वो कहीं ना कहीं एक आरटीआर की किस्मत में था, जो कि कह सकते हैं कि दाने दाने पे लिखा है, दाने दाने पे तो नहीं होगा लेकिन किल किल पे लिखा है मारने वाले का नाम, तो यहाँ पर आरटीआर को वो किल जरूर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन गाइस एक बहुत बड़ा जो है सीन होता हुआ नजर आया, जिस टीम ने बुया की है अब वही टीम सबसे पहले एलिमिनेट हो रही है, तो इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रैंड फाइनल में ट्विस्ट जो है वो बना रहने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और वन साइडेड करके टूर्नामेंट को विन कर जाएगा, तो ऐसी जो सिचुएशन है मुश्किल ही दिखाई दे रही है कि यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे। तो बाकी टीम की बात कर लेते हैं, ज़िनोन ईस्पोर्ट अभी तक जीरो किल के साथ है, टीम फैल्कन की फाइट हो रही है यहाँ पर रॉयल फोर्स के प्लेयर के साथ और चार किल निकाल चुकी है टीम फैल्कन अगेन, क्योंकि लास्ट टाइम में हमने देखा है इनके पास स्टार्टिंग फाइट जरूर लेते हैं फिर किल्स भी इनके पास अच्छे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर रॉयल फोर्स के इस प्लेयर को खत्म करते हुए नजर आते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि रॉयल फोर्स के एक ही प्लेयर वहाँ पर मौजूद हैं, बाकी प्लेयर्स रिवाइव। बिल्कुल उसामा भाई, यहाँ पे काफ़ी जो है मेरे ख्याल से एक अलग ही माहौल बना हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब फाइव म्यूटेंट्स यहाँ पे भूया करती है और उनको ही एलिमिनेट कर दिया जाता है निशाना बना के। कार्टून नेटवर्क एक दफ़ा फिर से मैदान में आ चुकी है, दी फैल्कन्स यहाँ पे मौजूद है, पांच किल कर चुकी है और एक अच्छे किल्स के साथ जो है अपने मैच का जो है सेकेंड मैच का आगाज़ करते हुए दिखाई दे रही है। अभी भी 11 टीम्स स्टिल अलाइव इन द ग्राउंड, लेट्स सी के यहाँ पे कौन अप वाला भूया जो है जो कि पुरगेटरी का है उसको जो है चुनते हुए दिखाई देगा। काफी खतरनाक मामलात हो सकते हैं, सामने प्लेयर्स को जो है नोट किया जा रहा है, लेकिन आई थिंक यहाँ से अब निकलने में कामयाब रहेंगे। टीम एग्री किंग्स की बात कर ले जो कि बुया तो नहीं लेकिन काफी अच्छे किल उन्होंने पिछले मैच में इकट्ठे किए थे और अभी एक दफा फिर से जो है ब्राजीलिया का जो है निशाना बनाया जा रहा है, जहाँ पे अभी ही हमें ऊपर की तरफ जो है एक कार्टून नेटवर्क और फाइव मीटर की फाइट देखने को मिली है। यहाँ पर हमें काफी टाइम ही हो गया कि 5MT के बाद कोई फाइट देखने को मिली है और एक चांद, अरे भाई तुम कहाँ पे आ रहे हो, हेलो भाई मुझे ओके। तो यहाँ पर जो है वो तीन टीमें हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन पीके बटालियन ने अभी थोड़ी सी जायजा लिया है कि भाई यहाँ पर जो है मामला क्या होने वाले हैं, और उस चीज को देखते देखते यहाँ पर जो है वो दूसरा थोड़ा सा हाथ साइड पे आ गए। लेकिन एंग्री किंग्स आ चुकी है, कार्टून नेटवर्क है जो कि 5MT जैसी टीम को एलिमिनेट करने के बाद यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, तो एक जो कह सकते हैं कि कार्टून नेटवर्क को शुरुआत अच्छी मिली है और 5MT को जो है वो एक उनके लिए बैड पैच आ गया। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो मैं हमजा फिर से कहूँगा कि ये एक ऐसी टीम है कि जो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये मैंने ग्रुप स्टेजेस में इनके मैचेस देखे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे ये बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गई है 12th पे पहले मैच में, इसलिए मैं ज़्यादा इनके लिए अल्फाज नहीं यूज़ कर पाया। लेकिन हाँ अभी भी मैं कह सकता हूँ कि ये टीम ऐसी टीम है कि जो आज के फाइनल में ज़रूर ज़रूर सेकेंड थर्ड मतलब लाइक ये प्लेसिस पर तो नज़र आने वाली है अगर जीतती नहीं। कह सकते हैं गुरु भाई, बिल्कुल आपकी बात से मैं जो बिल्कुल 100% एग्री करूंगा, लेकिन अभी गुरु भाई देखें स्टार्टिंग है, सेकंड मैच है और जिस तरीके से हमें जो है पॉइंट्स का जो है मामला देखने को मिलेंगे अभी इस मैच के बाद तो काफ़ी डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि फाइव म्यूटेंट्स हो गई जिसके अच्छे मैचेस गए थे वो इसमें होप के जैसे जिस तरीके से जो है फाइव म्यूटेंट्स एलिमिनेट हुई है इसी तरीके से अगर एंग्री किंग्स और यहाँ पे अपनी पोजीशन को ऊपर ला सकते हैं। रिवाइवल का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे रॉयल फोर्स के लीडर की जानिब से, अकेले बचे हैं, ग्लू वॉल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, अशद ज़रूरत है टीम की जो लीडर को, क्योंकि इस वक्त जो है फाइनल्स का जो है समय है और पीछे से टीम फाल्कन्स आते हुए दिखाई दे रही है, क्या वो इधर आएंगे इधर रुख करेंगे जो कि सिर्फ एक ही प्लेयर है लीडर उसको मार के इस पूरी टीम को एलिमिनेट करेंगे। लेकिन अभी तक जो है जोन को कवर
करते हुए दिखाई देंगे। टीम पूरी जो है मैदान में आ चुकी है, टीम रॉयल फोर्स की। लेट्स सी क्या मामला रहेगा। काफी अच्छी लाइनअप हमें देखने को मिल रही है सारी टीम्स की। यहाँ से टीम रॉयल फोर्स की बात कर लें तो स्नूप डॉग खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन फेमस की बात कर लें, एक किल के साथ मौजूद है और वापस जो है मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हारून हमारे सामने मौजूद है, ब्लू मौजूद है, गुज्जर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी क्या मामला होंगे। सिलियर्स की बात कर ले, पिछले मैच में गए थे फाइट लेने, लेकिन जिंदौन ईस्पोर्ट्स ने मुकम्मल शटडाउन किया था। ब्राजीलिया पे काफी खतरनाक फाइट हमें देखने को मिलेगी। कार्टून नेटवर्क यहाँ पे मौजूद है, उसी के साथ साथ यहाँ पे टीम पीके बटालियंस भी आते हुए दिखाई दे रही है, रेडी टू रश अपना होल्ड करते हुए दिखाई दे रही है। बहुत अलग फाइट हमें देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक दूसरे को ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन टी एफ की बात कर ले, जो कि 7 किल्स इकट्ठे कर चुके हैं अभी तक और आगे जाने की मजीद तैयारी कर ली है। ग्लू वॉल्स वगैरह सब कुछ मौजूद, एक मेडिकेट ही मौजूद है इस वक्त एसिड के पास। क्या मामलात होंगे, प्लेयर को नॉक करेंगे बिल्कुल यहाँ से आएंगे। और टीम एंग्री किंग्स एक दफा फिर से मैदान में आते हुए दिखाई दे रही है। कार्टून नेटवर्क के साथ जो है फाइट लेगी, क्या यहाँ पे टीम एंग्री किंग्स को शट डाउन कर पाएगी कार्टून नेटवर्क या फिर नहीं। और यहाँ पे जो एंटी मटेरियल का यूज करेंगे, प्लेयर को नॉक करेंगे। राना जो कि काफी खतरनाक प्लेयर हमें देखने को मिलती है एंग्री किंग, प्लेयर को नॉक, अब्दुल्ला एक प्लेयर को नॉक करेंगे, राना एक प्लेयर को नॉक करेंगे। और यहाँ पे इसी तरीके से जो है रश किया जा सकता है, नेट करेंगे, क्या ये नेट फायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल होगा यहाँ पे, लेकिन अभी भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं की जा रही है यहाँ से रश करने की, क्योंकि पता है आगे जो है मजीद टीम्स उनका वेट करते हुए दिखाई दे रही है। अपनी लोकेशन पे होल्ड करना चाह रहे हैं, उन्होंने अपना किल पूरा किया और बैक साइड पे बढ़ते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन होते हुए नजर आए हैं एसवीजी प्रिंस और कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम गुरु भाई, वालेकुम अस्सलाम एचओबी प्रिंस हियर, वेलकम टू दी स्ट्रीम ब्रो। और अनस्टॉपेबल को सपोर्ट आ रही है, जिनोन टॉप करेगी। पहले आपने जिनोन के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, पहली बात तो ये कि डॉगर भैया आप स्पेलिंग सेट करें, पहले कह रहे हैं कि टॉप करेगी लिख लो, चलो देखते हैं, लिख लिया है आपका, लिख लिया है, बाकी भी मुझे लिखवाएं कि भैया आप किसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं और आप किसको चाहते हैं कि यहाँ पर आज के दिन में वो जो है वो चैंपियन बनती है। मैं कोई नहीं पूछ रहा हूँ सेकंड के लिए, थर्ड के लिए मैंने अगर बोला भी है यहाँ पर अनस्टॉपेबल के लिए तो मैंने उन्हें सेकंड थर्ड पर रखा है, मैंने फर्स्ट पर बोला ही नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट पर रखना चाह रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर रख के बताएं कि आप किसको फर्स्ट पर रखना चाह रहे हैं और कौन आज का जो है वो चैंपियन बनती हुई नजर आती है, क्योंकि 6 ही मैचेज में कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है और 6 मैचेज में डिसाइड हो जाएगा कि इन $300 जो यूएस डॉलर, मतलब हमजा जैसे यूएस डॉलर की बात आती है मतलब थोड़ा पानी आ जाता है बेशक, मतलब जो भी है तो एक थोड़ा सा एहसास तो आपको भी होगा कि डॉलर्स आ रहे हैं। तो वो जो चीज़ है वो टीमों के लिए भी एक बड़ा बेनिफिट है कि इस तरह के टूर्नामेंट और फिर इस तरह के टूर्नामेंट में जहाँ पर हर टीम को मौका मिला रजिस्ट्रेशन के थ्रू के वो आए और अपने आप को मनवाए। अब तो खैर अगला टूर्नामेंट देखेंगे, लेकिन इसमें तो बाकी टीमों ने काफ़ी अपने आप को मनवाया है और करके दिखाया है। हारून यहाँ पर ख़त्म हुए हैं, ब्लू भी अभी अभी आए हैं और उनके पास लूट नहीं है। तो यहाँ पर जो है इस टूर्नामेंट में इतना अच्छा प्राइस पूल भी मिल रहा है और इतने अच्छे प्राइस पूल के साथ जो है वो आप लोगों को जो है इंटरटेनमेंट के मैचेस भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खैर बात करते हैं, हमजा इतनी टीमें और सिर्फ ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील कैसे संभालेगा यहाँ पर इतनी टीमों को, मतलब कैपेसिटी है उसमें कितनी टीमों को साथ। बिल्कुल हर तरफ से फाइट देखने को मिलेगी। मदारा का यहाँ पे लॉन्चर आता है, यहाँ पे टीम एंग्री किंग्स के 2 प्लेयर्स को नॉक करेंगे। ओ माय गॉड यहाँ पे टीम पीके बटालियंस वर्सेस एंग्री किंग्स, लेट्स सी। 2 प्लेयर नॉक हो चुके, एक और प्लेयर को नॉक करेंगे, अब्दुल को नॉक किया जाएगा अब्दुल्ला के जादू से। बिल्कुल एक और को M10 पूरी की पूरी यहाँ पे चला दी गई, एक और को नॉक करेंगे, दी लास्ट वन अब्दुल्ला। क्या यहाँ पे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पे प्लेयर को रिवाइव किया जाएगा। निकलो लॉन्चर आ रहे हैं, लॉन्चर आ रहे हैं और ये लॉन्चर नहीं नीड कर दिया उन्होंने, लॉन्चर नहीं किया नीड कर दिया। लेकिन अब मदारा अकेले हैं और एग्री के 2 बंदे हैं और पीके बटालियन में शायद हमारा साथ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन राना फिट डाउन है नीड आ रही है, पीके बटालियन होगी और यहाँ पर साथ ही जाएगी पीके बटालियन भी, मैंने जो बात की है कितनी टीमें कैसे संभालनी है उनमें अभी थोड़ी कमी आएगी क्योंकि एक साथ 2 टीमें एलिमिनेट हो चुकी है और यहाँ पर भी फाइट चल रही है जो की हमारे साथ RTR है और अनस्टॉपेबल के सिर्फ रह चुके हैं प्ले बॉय अकेले। और क्या लगता है यहाँ पर ये कितनी देर तक होल्ड करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर भी फाइट चल रही है, मतलब कितनी फाइट संभालू यहाँ पर, हर जगह फाइट चल रही है और यहाँ पर कार्टून नेटवर्क और अनस्टॉपेबल के लास्ट प्लेयर एलिमिनेट हो जाएंगे और कार्टून नेटवर्क भी यहाँ पर एलिमिनेट होने के करीब है। शानी यहाँ पर जो है वो बाहर तो आए हैं, लेट्स सी कि गाइस क्या फायदा हो पाएगा, खत्म करने की कोशिश इन्होंने ई स्पोर्ट्स को एलिमिनेट किया और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ कार्टून नेटवर्क भी
एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। क्या लगता है हमजा, अब रह चुकी है सिर्फ 6 टीमें, जिनमें टीम एक्स पार्क 8 किल के साथ है, 8 ही किल टीम फैल्कन के दिखाई दे रही है, लेकिन उनके पास मैन एडवांटेज नहीं है, 3 प्लेयर्स हैं। टीम आरएफ की बात करते हैं, 6 किल के साथ उनके पास भी 3 ही प्लेयर्स हैं। इन फेमस ई स्पोर्ट अभी एक लास्ट प्लेयर जो है गुज्जर भैया अपनी टीम के लिए सर्वाइव तो जरूर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादा देर तक बच पाएंगे। और टीम प्लेयर भी यहाँ पर है और यहाँ से निकलना पड़ेगा इनको, क्योंकि सामने टीम आरएफ है, रॉयल फोर्स है, मेडिकेट्स लगाने का फायदा नहीं, आपको जोन में ही जाना पड़ेगा। और इनके पास सिर्फ एक ग्लू वाल है, और देखें वो भी बैठ कर आ रहे हैं और अपनी लोकेशन रिवील नहीं कर रहे, और ये भी यहाँ पर अपनी लोकेशन रिवील नहीं करने चाह रहे, लेकिन यहाँ पे फाइट चल रही है टीम फैल्कन्स और स्लेयर्स के दरमियान, करीब से फाइट चलती हुई नजर आएगी। एक और प्लेयर को डाउन किया जाएगा टीम स्लेयर्स की जानी से, एक ही किल है अभी तक इस टीम के पास, लेकिन क्या लगता है यहाँ पर 30 वॉल्स राजा के पास 30 वॉल्स मौजूद हैं, और इस वक्त भी जो है मेरे ख्याल से व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा, टीम एक्स पार्क के ब्लैक हॉक को टक्कर देंगे। राजा, राजा दी लास्ट वन, वन मैन आर्मी, दी डेंजर मैन, दी किलिंग मशीन का भी टैग अभी काई के जाने से हटा के इनको लगा दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो है आप देख रहे हो सर भाई 30 वॉल्स प्लस व्हीकल, बहुत ही जो है एग्रेसिव रहने वाला है, यहाँ पे पैक किया जाएगा। और मेरे ख्याल से गलत फैसला था, ये गलत फैसला था, क्योंकि इस वक्त जो है कोई टीम मौका आपको नहीं देगी। इस वक्त 3 टीम्स मैदान के अंदर मौजूद, टीम एक्स पार्क का पलड़ा भारी देखने को मिलेगा, क्या रेडी टू रश उनको ब्रेकआउट करेगी यहाँ पे, बिल्कुल रॉयल फोर्स भी मौजूद है, बहुत ही खतरनाक मामला आता है। खुर्री आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, शर्लॉक आगे आते हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल कवल मिलेगा, शॉट लगाएंगे स्नूप डॉग, ओ माय गॉड, रॉयल फोर्स शट डाउन की जाएगी टीम एक्स पार्क वर्सेस रेडी टू रश। क्या लगता है क्या मामला होगा, बिल्कुल यहाँ पे डैमेज दिया जा रहा है, एक प्लेयर को नॉक कर सकते हैं, नेट आता है, बचत होती है, यहाँ से पीछे से खुर्री कवर देते हुए दिखाई देते हैं, मौजूदा सूरत हाल काफी खतरनाक मंजर पेश करती है। खुशहाल एकदम से आगे आएंगे, शॉट लगेगा, यहाँ पे लीडर का रश देखने को मिलता है, बिल्कुल खुर्री को भी डैमेज देंगे, कुरी डाउन यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल माय गॉड, ग्रेट बूया बाय टीम रेडी टू रश, बहुत ही खतरनाक किस्म की फाइट हमें देखने को मिलती है, होल्ड करते हुए दिखाई दिए, लड़ने दो भाई, जो लड़ता है हम एंड में एंट्री लेंगे, और ये एंट्री जो है फुल जैगुआर किस्म की रही है, टीम एक्स पार्क को शट डाउन किया, यहाँ पे बूया हासिल करने में कामयाब रही है टीम रेडी टू रश, वायरस यहाँ पे MVP का बैच हासिल करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली गाइस, यहाँ पर रेडी टू रश ने बूया निकाल दी है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सीन था, क्योंकि इतनी टीमें थी और इतना ज्यादा रश लगा हुआ था कि यहाँ पर जो है ना वो जुमा बाजार चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि रेडी टू रश ने जो होल्ड किया है ना वो सबसे बेस्ट चीज थी, और वही चीज उनको यहाँ पर बुया की जो है लिस्ट में शामिल करती हुई नजर आएगी। रेडी टू रश की बुया आ चुकी है, टीम एक्स पार्क का कम बैक भी आ चुका है हमजा यहाँ पर हमारे साथ, और उसके साथ साथ रॉयल फोर्स जो कि मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी हमें स्टार्टिंग में जो है वो थोड़ी डगमगाती नजर आ रही थी, लास्ट प्लेयर रह चुके थे, उन्होंने यहाँ पर रिवाइव किया, बड़े मतलब सीन होते हुए नजर आए हैं। उसके बावजूद देखिए 16 पॉइंट के साथ थर्ड पे दिखाई दे रही है, स्लेयर 10 पॉइंट्स बनाने में कामयाब हुई है, कहीं ना कहीं कम बैक आया पिछले मैच में जो है, जो उनका बैड पैच रहा है उससे वो बचते हुए नजर आए, लेकिन अब पीके बटालियन लाइक एंग्री किंग्स यही 3 टीमें हमें टॉप पे दिखाई दे रही थी पिछले मैच में, उसी तरतीब के साथ वो सबसे पहले एलिमिनेट हुई है, 5 मीटर फर्स्ट पे थी, पीके बटालियन सेकंड पे थी, एंग्री किंग थर्ड पे थी, तो यही जो पहले मैच का मतलब लाइक वो उल्टा करके दिखा दो तो वो चीज हमें देखने को मिल रही है फिलहाल इन तीनों टीमों के लिए, जो इधर थी वो इधर आ चुकी हैं, यही कॉम्पिटिशन हम दिखाना चाह रहे थे कि फाइनल में देखने को मिले, और वो देखने को मिल भी रहा है, और बड़ा जबरदस्त मैं कहूंगा सेकंड मैच रहा है, और मानना पड़ेगा कि जो टीम यहाँ पर जो है जानती है कि वो जितना मर्जी बैड पैच गुजार ले, लेकिन उनको एक अच्छी चीज़ निकालनी है और उसके साथ साथ जो आगे बढ़ना है। तो हम थर्ड मैच की तरफ बढ़ते हैं हमजा विदाउट एनी डिले, क्योंकि सब आजकल टिकटॉक का जमाना है, सब चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी सब जल्दी जल्दी होता रहे और जो है ना सब जल्दी जल्दी दिखाई दे, तो मैं भी चाहूंगा कि हाँ चलो कोई मसला नहीं है, अगर आप आज टीम पे आए हैं तो सारे मैचेस एंजॉय करके जाएं, ऐसा नहीं है कि भाई 2-3 का टेस्ट लिया और फिर चलते बने कि भाई ठीक है 3 में मजा आया, पता नहीं अगले में 3 में मजा आता है कि नहीं, आप पूरा मैचेस देख के जाइएगा, हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे, हम कोई डिले नहीं करेंगे, क्योंकि हम फास्ट हैं, हम जल्दी सब सीन करेंगे। काफी खतरनाक मैचेस आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करें, लाइक करें और बस प्यार दिखाएं यार इस चैनल के ऊपर, प्यार दिखाएं ताकि ये जो बंदा काम कर रहे हैं ना इसके पीछे वो बड़ा प्यार बरसाने वाला बंदा है, तो मैं चाहूंगा कि उस बंदे के प्यार को आप थोड़ा रंग लगा दें और इस तरह के वो टूर्नामेंट्स और लेकर आते रहे हमारे लिए। लेकिन खैर कलाहारी मैप है हमजा, अब बैड पैच में जाने वाली टीमें ऊपर आ गई हैं, ऊपर वाली टीमें नीचे चली गई हैं, ये ऊपर नीचे का जो सीन है वो मैचेस तक ही रहे तो अच्छी बात है, बाकी तो चीज़ें आप भी जानते हैं अच्छे से।
बिल्कुल गुरु भाई, थर्ड मैच है और पहले मैच की स्टैंडिंग से काफी डिफरेंट रही है सेकंड मैच की स्टैंडिंग। तो अभी जो है, अब जो इधर साइड वन देखें या साइड टू, दोनों बराबर चलते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अभी देखना है कि चार मैचेस अभी भी बचे हैं, किस तरीके से हैंडल करेगी टीम। फाइव म्यूटेंट्स का बैड पैच रहा है, इसी तरीके से काफ़ी टीम्स हमें देखने को मिली है। CN भी कहीं मेहनत करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन उनका भी जो है सिक्का जो है अभी तक उनके हक में नहीं आता हुआ दिखाई दिया है। और इस वक्त जो है लैंडिंग स्पॉट्स की बात कर ले, रेडी टू रश जो कि पिछले मैच की दिफाई बुया टीम थी, इस वक्त कौंसिल हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। PK बटालियंस कन्फाइनमेंट का जो है लैंडिंग स्पॉट जो है मुंतखब करते हुए दिखाई देगी। टीम एंग्री किंग सेंटा कैटरीना की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। क्लैश इस वक्त जो है ज़्यादातर टीमों का हमें नहीं, सिवाय टीम थी फैल्कन्स का हमें देखने को मिलेगा इस वक्त टी रॉयल फोर्स के साथ। यहाँ पे महमूद की तरफ आ चुकी है टीम, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी क्लैश फाइट। लेट्स सी किस तरीके से होगी। और फर्स्ट जोन भी हमारा बन चुका है जो कि काफ़ी जो है खतरनाक बन है, काफ़ी टीमों के हक से बाहर हमें देखने को मिल रहा है। और इस वक्त अप साइड जो है टीम रॉयल फोर्स हमें देखने को मिल रही है, डाउन साइड जो है दी फैल्कन से इस वक्त शॉट लगाया जाता है। एसेट को काफ़ी डैमेज दिया गया है, इस वक्त अपनी हील को जो है मुकम्मल करना होगा क्योंकि काफ़ी मामला रह सकते हैं। ना वेस्ट ना हेलमेट, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपकी गन और आपका डैमेज काम आने वाला है। लेट्स सी किस तरीके से फाइट को हैंडल किया जाएगा। इस वक्त दी रॉयल फोर्स अभी तक कोई जो है जज्बाती फैसला करते हुए नहीं दिखाई दिए, और मेरे ख्याल से यहाँ पे हाइट एडवांटेज के बनिस्बत ये हक फैसला जो है उनके हक में जा सकता है अगर एक तरीके से फाइट लेने की कोशिश करें, क्योंकि दी फैल्कन अभी तक दो मैचों में क्लैश लैंड कर चुकी है और दोनों में कामयाबी हासिल करी है। शुरू में ही इतने किल्स इकट्ठे कर लेती है कि उनको जो है आगे प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इस वक्त देखना है क्या टीम रॉयल फोर्स यहाँ पे शट डाउन कर सकती है। सिलियर्स के राजा आते हुए दिखाई देते हैं महमूद की तरफ, क्या यहाँ पे रॉयल फोर्स बनेगी सैंडविच, क्योंकि पीछे से टीम सिलियर्स का रुख होता है और उसामा भाई इतनी जल्दी यहाँ पे लूट करके आते हुए दिखाई दे रही है पूरी टीम। क्या यहाँ पे एक अलग ही मैदान है, जंग बनता हुआ दिखाई देगा। हम सब प्लानिंग के साथ आइए, और यहाँ पर टीम फैल्कन के एक प्लेयर को खत्म भी कर दिया गया। RF का यहाँ पर रोटेशन लेना लीडर का काफी फायदेमंद रहा है। एक प्लानिंग से साथ आइए कि हमें लूट करनी है और डायरेक्टली इस जानी पड़ना है जहाँ पर ऑलरेडी शायद क्लैश स्टैंडिंग होती हुई नजर आए तो हम थर्ड पार्टी कर सकें। तो स्लेयर्स का एक ये जो प्लान है शायद यहाँ पर अगर काम कर जाता है तो उनके पास काफ़ी किल्स आने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा अभी सिर्फ टीम फैल्कन के एक ही प्लेयर खत्म हुए, उन पर अटैक चल रहा है टीम RF का, और RF पूरी तैयार बैठी है कि भैया एक बंदे को खत्म किया है बाकी को भी यहाँ पर समेटना है। वो इन चक्रों में है और पीछे वाली साइड से जो उनके साथ कहानी लिखी जा रही है वो एक खतरनाक होने वाली है। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर देखें TF के एक प्लेयर डाउन जरूर किए गए लेकिन RF के स्नोप डॉग अब खतरे में। ओह हेडशॉट, हेडशॉट मलिक ने लगाया यार। ओ भाई मलिक को डाउन कर दिया गया था लेकिन अब बचा लिया जाएगा। स्नोप डॉग अब यहाँ पर जो है वो डाउन हो चुके हैं, लीडर को भी अंदाजा हो चुका है, लेकिन टीम TF के सिर्फ हमारे साथ एसेट रह चुके हैं अकेले और वो यहाँ पर लेट एग्जैक्टली यहाँ पर लेट हुए हैं और लेट कर यहाँ पर जो अपने लिए बचाते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी टीम के लिए पॉइंट्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए यही बात है कि टीम स्लेयर्स की रोटेशन उनको फायदा दे चुकी है। दो टीमें आपस में फाइट ले रही हैं, उनकी आपस में चल रही है लेकिन इनको बीच में टांग अड़ानी है और वो टांग अड़ाना बड़ा फायदेमंद रहा है इनके लिए। लिटरली गाइस कभी कभी टांग अड़ाना भी फायदेमंद होता है, ये चीज़ यहाँ पर वाजह हो गई है। टीम स्लेयर्स ने यहाँ पर किल्स बटोर लिए हैं और साथ ही साथ में दोनों टीमों को नुकसान पहुंचा दिया। अगर राजा यहाँ पर देख लेते हैं इनको बैठे हुए सरप्राइज को तो मेरा नहीं ख्याल कि सरप्राइज के लिए कुछ खास होने वाला है, क्योंकि सरप्राइज भी मुश्किल में पड़ जाएंगे यहाँ पर। लेकिन बात करते हैं इन फेमस स्पोर्ट की तो वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ ये हमें रिफाइनरी पे देखने को मिल रही है, उसके साथ साथ यहाँ पर टीम स्लेयर्स अभी तक जो है वो मसरूफ है यहाँ पर किल्स करने के चक्करों में। बिल्कुल स्लेयर्स इस वक्त जो है ना चार नहीं रही है, इस स्लेयर्स जो है इस वक्त चार ही है कि जो है हम शुरू में किल्स इतने इकट्ठे कर लें, क्योंकि कलारी है और बड़े बुजुर्गों का ये कहना है कि ये जो है काफी जो है मैप जो है काफी कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड रहता है, क्योंकि किसी की टीम के हक में नहीं जाता है ये, कभी बहुत ही ओपनली फाइट होती है। जोन भी अभी आप देखें तो काफ़ी डिफिकल्ट रह रहा है, महमूद की तरफ जोन आता है जो कि एक साइड है और काफ़ी मुश्किलात रह सकती है। यहाँ पे टीम सिलियर्स तीन किल कर चुकी है इस वक्त मैदान में अभी भी मौजूद है, टीम रॉयल फोर्स के स्नूप डॉग अभी भी ओपोनेंट साइड पे मौजूद है और लेट्स सी कि किस तरीके से जो है हैंडल किया जाएगा इस फाइट को। तीन किल में से एक किल जो है राजा कर चुके हैं और इस वक्त भागा जा रहा है पीछे से, बिल्कुल आएंगे डैमेज दिया जा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल डैमेज दिया जा रहा है। स्लेयर्स का अटैक बार बार हर प्लेयर को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, लेकिन क्या बात है सरप्राइज ने उनको सरप्राइज जरूर किया यहाँ पर।
और एक प्लेयर को जाते जाते अपने साथ लेते गए हैं और किल पूरा कर लिया। लेकिन अब देखें 4 किल जोड़ लिए उन्होंने। फाइट किसी की थी, मसला किसी और का चल रहा था, लेकिन बीच में आकर उन्होंने जो किल निकाले हैं वो बहुत जबरदस्त चीज देखने को मिली है। उसके साथ साथ आरएफ के प्लेयर्स दोबारा से रिवाइव होते हुए नजर आ रहे हैं और टीम फैल्कन क्या अपना जो लास्ट प्लेयर बचा है वो यहाँ पर रिवाइव करते हुए नजर आएंगे अपने प्लेयर्स को। और उसके साथ साथ जिनोन और एंग्री किंग्स की जो फाइट होने वाली है ये बड़ी जबरदस्त फाइट रहेगी, क्योंकि जिनोन और एंग्री किंग्स दोनों टीमों ने एक एक मैच तो बहुत अच्छा निकाला है। अब देखना पड़ेगा कि ये मैच दोनों में से कौन अच्छा निकालते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमें एक बात है कि थोड़ी एंग्री किंग हमें एक्टिव दिखाई देती है हमजा, क्योंकि ये टीम के पास काफी अच्छे नेडर्स हैं, काफी अच्छी गेम प्ले है, शॉर्ट रेंज की अच्छी एक तगड़ी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो ये टीम रश कर रही है, आपने देखा पहले मैच में कितने किल बटोरे थे इन्होंने, और कोई ना कोई नई चीज करने के लिए तैयार खड़ी रहती है एंग्री किंग्स, और इसीलिए मैं इनको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ी एक्टिव रहती है। कार्टून नेटवर्क आ चुकी है उस जगह पे जहाँ पर मेरा ख्याल है कि अगला भी जोन लग सकता है, और पीके बटालियन की फाइट चल रही है तो उस जाने भी जरूर चलेंगे कि पीके बटालियन यहाँ पर जो है वो कितने किल्स निकालती हुई नजर आती है, या फिर रेडी टू रश जो कि हमारी पिछले मैच की बुआ करने वाली टीम है वो उनको टक्कर देती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल देखना होगा किस तरीके से फाइट को हैंडल किया जाता है। जिस तरीके से रेडी टू रश अब जो है एक दिफाई बुआ टीम हो चुकी है पिछले मैच का, तो काफी डिफिकल्ट रहेगा हर टीम की नजरों में इस वक्त यही होंगे। और फैल्कन्स यहाँ पे एलिमिनेट कर दी गई है नेट 12 पे, जो कि काफी जो है उनके लिए जो है काफी बैड पैच रहा है इस मैच में और एक बैड पोजीशन भी रही है। लेकिन इस वक्त जो है आर टी आर लीडर का जो है रश का जो है मूड हो चुका है। उमर पीके बटालियंस के नीचे मौजूद है, अब्दुल की बात कर ले वो भी आगे मौजूद है। डैमेज दिया जाएगा, रायान को नॉक करेंगे, यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक किया गया है, क्या यहाँ पे सेकंड प्लेयर की तरफ भी जाया जाएगा, लेट्स सी क्या मामला होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उमर को नॉक करके जो अपने प्लेयर को रिवाइव दिया जाएगा। टीम रेडी टू रश वर्सेस पीके बटालियंस, जेंटल पीछे से जो है गायब होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त देखना है कि भाई अपनी पोजीशंस को जो है महफूज करेगी टीम पीके बटालियंस, या जो है एक बड़ी हैवी टीम से फाइट करते हुए दिखाई देगी जो कि पिछले मैच की बुआ कर चुकी है, और टीम एक्सपर्ट जैसी टीम को जो है उन्होंने जो है क्लैश किया है लास्ट जोन के अंदर। काफी जो है एक अच्छी एक टीम हमें देखने को मिल रही है एक नए जमाने के अंदर। और इस वक्त जो है टीम 5 म्यूटेंट्स की बात कर ले फाउंडेशन से जोन की तरफ आती हुई दिखाई देगी, जिनका रास्ता था ब्लॉक करने के लिए सेंट्रल पे मौजूद टीम इनफेमस मौजूद है। टीम एक्सपर्ट भी आती है, फाइट बिटवीन 5 म्यूटेंट्स वर्सेस टीम एक्सपार्क, ये बहुत खतरनाक फाइट हमें देखने को मिल सकती है। हाशु पीछे से आते हुए दिखाई देते हैं, हर जगह से फाइट हमें देखने को मिलेगी, सारी टीम जोन को कवर करते हुए दिखाई देंगी। अलोन हमें जो है टीम कार्टून नेटवर्क के लीड करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे टीम 5 म्यूटेंट्स वर्सेस टीम एक्सपार्क, फाइट छिड़ चुकी है, यहाँ पे एकदम जोन के अंदर आके फाइट छिड़ चुकी है, प्लेयर्स को नॉक किया जा सकता है। खुशहाल मौजूद है, कुर्री मौजूद है, और इस वक्त किसी तरीके से फाइट को हैंडल करेंगे, नॉक किया जा सकता है बिल्कुल क्रोनो का यूज करेंगे। सेकंड प्लेयर इन एन आते हैं, कुर्री मौजूद है, यहाँ पे जो है M10 का यूज करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन नहीं बचत होगी, यहाँ पे कुर्री को निशाना बनाया जा रहा है, स्टेफी का यूज किया जाएगा, डैमेज से मौजूद, ओ माय गॉड, इब्रा डाउन, खुशहाल डाउन, कुर्री ब्लैक हॉक मौजूद है, कुर्री और ब्लैक हॉक दोनों ही खर्चे में मौजूद, ओ माय गॉड, ब्लैक हॉक द लास्ट शो फ्रॉम टीम एक्सपर्ट, लेकिन यहाँ पे दे इनफेमस आएगी, यहाँ पे थर्ड पार्टी करेगी, और इसी तरीके से इस मैच और इस मैच के अहम हिस्से में दोनों मतलब फाइट्स ऐसी रही हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी हो गई है। अब फाइट हो सकती है, यहाँ पर इनफेमस के सारे ही बंदे जिंदा हैं, तो मुश्किल लग रहा है यहाँ पर इनका बच पाना, क्योंकि ऊपर वाली साइड भी प्लेयर मौजूद है आए हैं यहाँ पर और खत्म करने के लिए। अरे भाई शूट तो करो, मोइस यहाँ पे काफी देर सोच रहे हैं शूट करना सही है नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब देखें डाउन भी हो चुके हैं, 5 म्यूटर्स को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है, 2 मैचेस खराब हो चुके हैं उस टीम के जो पहले मैच की बुआ करने वाली टीम है। बिल्कुल एक्जैक्टली टीम एक्सपार्क का कमबैक हमें सेकंड में देखने को मिला, लेकिन थर्ड में फिर से यहाँ पर जब वो उनके लिए बैड पैच हो गया, तो यहाँ पर ब्लैक होक बहुत अच्छा खेल रहे थे, लिटरली बहुत अच्छा खेल रहे थे हमजा, यहाँ पर जिस तरीके से वो दोनों खेले रह चुके थे और ऑलमोस्ट 30-40 की HP के बीच में ही थे यहाँ पर ब्लैक होक, और वहां से जो उन्होंने 2 बंदों को डाउन किया था वो एक काबिले दी सीन था। लेकिन अगर इनफेमस ना आती तो शायद टीम एक्सपार्क यहाँ पर 5 मीटर्स को एलिमिनेट कर जाती, लेकिन खैर यहाँ पर इनफेमस का आना, 7 किल बटोर लेना और दोनों टीमों बड़ी टीमों को यहाँ पर जो है वो घर की तरफ उनका रुख करना, ये एक बड़ी जबरदस्त चीज जो है हमें देखने को मिली है।
बिल्कुल सामा भाई, दोनों जो है पलड़े जो है, अगर हम टीम्स को दो हिस्सों में रख के देखें तो दोनों ही पलड़े हमें पोजीशंस पे भारी देखने को मिल रहे हैं। हर एक मैच के बाद एक अलग स्टैंडिंग्स हमारे सामने आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इस वक्त अभी भी जो है टीम फाइव म्यूटेंट्स एलिमिनेट हुई है, टीम एक्स पार्क एलिमिनेट हुई है, जिस तरह रेडी टू रश अभी भी मैदान में मौजूद है, हो सकता है इस मैच के बाद वो अपनी पोजीशन को और मजबूत करते हुए दिखाई दी, और अपनी पोजीशन तो मजबूत करेगी, साथ ही साथ जो कि इस टाइटल को अपने नाम करने का ख्वाब देख रहे हैं उनके लिए मुश्किलात और जो है बढ़ाती जाएगी। रेडी टू रश की बात करें, अनस्टॉपेबल्स की बात करें, एक प्लेयर का नुकसान है, एक किल मौजूद है, कमांड पोस्ट के ऊपर मौजूद है, और इस वक्त टीम जिननॉन की बात कर ले जो कि जिननॉन की काफ़ी अच्छी लाइनअप देखने को मिल गई है, ट्राई हार्ट की क्यादत में एक किल इनको मिला है, अनस्टॉपेबल्स के साथ फाइट करेंगे, टावर पर मौजूद है, ड्रॉप्स कॉल्स कर लिए गए आ चुके हैं, अलोन को नॉक किया जाएगा यहाँ पे जेनॉन ईस्पोर्ट्स के, और बासानी रिवाइव दिया जाएगा, और हाइट का एडवांटेज भी इनके पास मौजूद है, लेकिन देखना यह है कि अभी जो हमारी जैसे टीम्स है इन फेमस हो गए जिनको सेंट्रल से रुक करना है जोन का, और वो आएंगे कमांड पोल, तो क्या वो यहाँ पे उनके लिए एक दीवार साबित हो सकते हैं, एक उनके लिए बैड पैच साबित हो सकते हैं। इन फेमस की बात कर लें, साथ के इसके साथ मौजूद है, और रवांगी बिल्कुल एकदम नुक्के पे मौजूद है, और टीम अनस्टॉपेबल्स के जो एक प्लेयर नॉक थे उनको भी मैदान में उतार लिया गया है, फाइट के लिए बिल्कुल रेडी है, किल को कन्फर्म किया जाएगा अनस्टॉपेबल्स के, जोकर के जाने से एक किल के साथ मौजूद है, लेट्स सी क्या मामला होगा, बिग डील हमारे साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं अनस्टॉपेबल्स के, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, काफ़ी वन मैन शो भी हमें दिखा चुके हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी जो है सुबाई सीरीज में रही है टीम बिलीवर्स से। और गुज्जर की बात कर लें, इस वक्त 18 ग्लू वॉल्स विद इन 12 मैटकेट्स 5 ग्रेनेड लूट हैवी है। ये तो ये मरे भाई क्या से पूरी एक मतलब पूरी टीम को जो है दावत मिल सकती है खाने की, मतलब हाँ। चार तेरी करके भी तीन बंदे जो आराम से चार चार मेडिकेट्स रखेंगे और ऑलमोस्ट जो छह छह ग्लूआस भी ले सकते हैं इनसे, तो बड़ा आसान नहीं देगा इनको खत्म करें तो गाइस बिल्कुल आपके पास बहुत लूट रहने वाली है, काफी लूट है बाकी के प्लेयर्स के पास भी, देखे 7 और 9 मेडिकेट्स और 11 जो है 12 ग्लूआस 8 मेडिकेट्स, मतलब ये टीम ओ भाई किस ग्लूआस में इसके पास है और 11 मेडिकेट्स, मतलब क्या करेंगे इतनी लूट का पूरी, तो मुझे लग रहा है कि कलाहारी इन्होंने ही लूट ली है। और यहाँ पर जब वो टीम स्लेयर्स आ चुकी है, स्लेयर्स करीब बढ़ने की कोशिश करेगी, लेट्स सी यहाँ पर स्लेयर्स की जानिब से क्या परफॉर्मेंस रहती है, लेकिन बाकी टीम की बात करते हैं उनके पास इतनी लूट नहीं है जितनी उस पूरी टीम के पास लूट है। देखिए आप इनके पास तो मेडिकल ही नहीं है, तो इनको थोड़ी बहुत उधार देनी चाहिए मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से इनके हालात चल रहे हैं, तो इनके साथ भी जो है ना गरीबों का भला करना चाहिए, न्यू ईयर के साथ साथ हमें न्यू जो है वो चीज़ें करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि इनको किल्स दें और इनको थोड़ी लूट दें ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, काफ़ी कमी की जो है महसूस हो रही है इनकी तरफ से। मुझे कमेंट सेक्शन में भी कहा जा रहा है कि गुज्जर की लूट चेक करें, मतलब लोगों को भी अंदाज़ा है कि ये कितना लूट खाते हैं भाई, कितना खाते हैं। खैर यहाँ पर बात कर लेते हैं मैच की, तो मैच खत्म होने के करीब है हमजा, और जहाँ पर इनफेमस है की लीडरशिप है, इनफेमस को बड़ा फायदा हुआ, दो टीमों को एलिमिनेट किया, 5MT को भी और टीम हमारे साथ टीम एक्स पार को भी। अब क्या लगता है, क्या नई टीम की बुआ आएगी या फिर कोई टीम पुरानी भी अपनी बुआ को जो है वो हमारे साथ दिखाती नजर आएगी? एंग्री किंग्स एलिमिनेट कर दिया अनस्टॉपेबल ने यहाँ। बिल्कुल उसामा भाई, एक नई टीम का बुआ यहाँ पे काफ़ी स्टैंडिंग्स में जो है अप एंड डाउन सिचुएशंस ला सकता है, लेकिन जिस तरीके की पोजीशन रेडी टू रश ने रखी हुई है और अभी जो है टीम से नॉन को भी नीचे आना था और वो आ चुकी है, क्या वो फाइट लेना ज़रूरी समझेगी? लेकिन देखना है, कार्टून नेटवर्क के साथ ही मौजूद है, यहाँ पे शॉर्ट रेंज फाइट देखने को मिली थी लेकिन कार्टून नेटवर्क इस वक्त जो है सेफ जोन के अंदर आते हुए दिखाई दिए गए हैं, और इस वक्त जेनॉन के लास्ट वन आई थिंक के ओरियो ही हमें देखने को मिले और यहाँ पे उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा बहुत ही जल्द। टीम जेनॉन काफी अच्छी टीम है, काफी जो है एक कहते हैं कि एक जिम्मेदारी के साथ खेलती है, लेकिन इस वक्त जो है बाकी टीम्स भी खेलने आई हैं, तो कह नहीं सकते कि यहाँ पे जो है जेनॉन जो है अपनी जो है थोड़ी सी जो है बैड परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रही है। सिलियर्स मौजूद है इस मैच में, कम बैक करेंगे आफ्टर 2 मैचेस वी विल बैक कहेंगे यहाँ पे, और इस वक्त देखेंगे टीम रेडी टू रश की पोजिशन देखेंगे आप गुरु भाई, काफी नीचे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेनॉन को जो है यहाँ पे मुकम्मल एलिमिनेट कर दिया गया है, टीम कार्टून नेटवर्क एक अच्छी लूट के साथ मौजूद, 4 किल्स मौजूद है, टीम रॉयल फोर्स की बात कर ले 5 किल के साथ इस कैरी द लास्ट वन स्टिल अलाइव फ्रॉम टीम रॉयल फोर्स, टीम इन फेमस की बात कर ले हारून नीचे आएंगे, बिल्कुल ग्रैपलिंग मौजूद है, लूट काफी हैवी है, ब्लू बिल्कुल इन फेमस की आप लूट गुरु भाई जैसे आप कह रहे थे, मैं तो ये समझता हूं कि अगर आपको इस
पूरी एक लूट के साथ इस मैदान में छोड़ा जाए तो आप क्या करेंगे? भाई मैं तो किल ही करूंगा जैसे ये किल कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि इतनी लूट के साथ मर जाना मतलब इससे कुछ बैड पैच और भी नहीं बढ़ के हो सकता। लेकिन खैर आठ ईयर के अयान बड़ी खतरनाक जगह से आए हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी इनफेमस मौजूद है और अयान का यहाँ पे आना गुज्जर के लिए किल साबित हो सकते हैं। और भाई पास से गुजर गए उनके, गुज्जर बिल्कुल पास से चले भी गए थे और अब शूट कर रहे हैं। और अगर गुज्जर अब डाउन होते हैं, देखें ये ले उनको डाउन किया लेकिन साथ में खुद डाउन हो गए हैं। यहाँ पर इनफेमस को नीचे आना पड़ेगा और ये लूट अब काम नहीं आने वाली क्योंकि ऊपर से कितनी की ग्लूवा लगा सकते हैं। और नीचे वाली साइड पे मुझे लग रहा है कि आठ ईयर के पास अगेन चांस है भूया करने का। 13 किल कर चुके थे लेकिन अब मोइस का बच पाना बहुत मुश्किल होगा। भाई सारा ग्लूवा लगाए ना यार, मतलब लगाए क्यों नहीं लगा रहे आप ग्लूवा? और देखें कोई फायदा ज्यादा नहीं उठा सके अपनी लूट से, जिस जब बंदे के पास लूट ज्यादा होती है तो ज्यादा फायदा नहीं रहता। तो आरटीआर के पास देखते हैं गाइस यहां पर दो प्लेयर्स हैं। अब लग रहा है कि एक नई टीम की भूया अगर आप तवक्को कर रहे थे तो वो कार्टून नेटवर्क हो सकती है। लास्ट मोमेंट्स है लेकिन पीके बटालियन के इस प्लेयर को कोई भी नहीं देख रहा। जेंटल यहाँ पर बिल्कुल सुकून से बैठे हुए हैं। ये फाइट दो टीम्स के दरमियान चलने वाली है, कार्टून नेटवर्क और रेडी टू रश के दरमियान। लेट्स सी गाइस ये भूया किसके नाम जाएगी। रिपीट होगी तो अगर रेडी टू रश यहाँ पर भूया निकालती है, लेकिन अगर यहाँ पर कार्टून नेटवर्क जिनके पास मैन एडवांटेज है, चार प्लेयर्स हैं सामने, सिर्फ दो प्लेयर्स हैं और फिर अब जेंटल को भी सपोर्ट कर लिया गया। जेंटल को खत्म करने की कोशिश की जा रही है लेकिन उनकी ग्लूवा लग चुकी है। अब ग्लूवा एक और लगाते हुए नजर आएंगे जेंटल यहाँ पर, और जेंटल को पहले खत्म करना चाह रहे हैं रेडी टू रश वाले क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर सामने चार खत्म करने हैं और इनको अकेले को खत्म करना है। और यहाँ पर पीके बटालियन के एलिमिनेट होते ही यहाँ पर कार्टून नेटवर्क ने कर दिया रश, और रश करने के साथ साथ यहाँ पर एक को डाउन कर दिया गया। रेडी टू रश बात नहीं आ रही, दो प्लेयर्स डाउन, तीन प्लेयर डाउन, और गाइस यहाँ पर अकेले कार्टून नेटवर्क के एक प्लेयर रह चुके हैं। लेकिन वो यहाँ पर लड़ेंगे, वो लड़ेंगे यहाँ पर भूया के लिए। लेकिन देखें यहाँ पर रेडी टू रश ने क्या ही जबरदस्त भूया निकाली है। टू बी वॉर की सिचुएशन में यहाँ पर रेडी टू रश अपनी सेकंड भूया करती हुई नजर आएगी। बैक टू बैक सेकंड भूया यहाँ पर रेडी टू रश के नाम। रेडी टू रश एक नाम नई ब्रांड बन चुका है, सेकंड भूया अपने नाम कर लिया गया है। यहाँ पे वायरस एक दफा फिर से जो है हमें यहाँ पे एमवीपी बनते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। टीम रेडी टू रश एक नई टीम हमें देखने को मिल रही है जो कि काफी खतरनाक परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाते हुए नजर आ रही है। जहाँ पे बड़े नाम मौजूद है टीम सिलियर्स, टीम एक्स मार्क 5 म्यूटेंट्स जैसे, वहां पे टीम रेडी टू रश जो है अपना झंडा जो है गाड़ते हुए नजर आ रही है। और काफी जो है ये एक अलग बात हमें देखने को मिलेगी और एक अपनी पोजिशन अपने पॉइंट टेबल में जो एक अपना टैग लगाते हुए दिखाई दे सकती है। तीन मैचेस के बाद पोजीशंस काफी जो है हाई लेवल की देखने को मिल सकती है टीम रेडी टू रश के जाने से, लेकिन देखना होगा क्या मामलात होगा। कार्टून नेटवर्क जिनके पास पूरा मैच मौजूद था लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके हक से ये मैच जाता हुआ दिखाई दिया है, और इस तरीके से टीम रेडी टू रश एक दफा मजीद कामयाब होते हुए दिखाई दी है। तीन मैचेस हमारे अभी तक हो चुके हैं जिनमें से एक मैच जो है हमारा कौन सी टीम मैं भूल गया, बिल्कुल यहाँ पर पहला मैच 5MT के नाम और उसके बाद डबल भूया का यहाँ पर सीन रेडी रश के नाम। और ये मुझे नहीं लग रहा था क्योंकि जिस तरीके से 2v4 सिचुएशन थी और भी कार्टून नेटवर्क एक अग्रेसिव टीम, एक ऐसी टीम जो शॉर्ट रेंज को अच्छे तरीके से जो है वो खेलना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भूया ही रेडी रश के नाम सेकंड नंबर पे। मैं कार्टून नेटवर्क पीके बटालियन अगेन अच्छी परफॉर्मेंस 11 पॉइंट के साथ 20 पॉइंट्स इन फेमस के इस बार आए हैं और ये 25 पॉइंट्स बड़े जबरदस्त देखने को मिलेंगे। टीम स्लेयर्स 15 पॉइंट के साथ और 12 पॉइंट के साथ अनस्टॉपेबल भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात करते हैं 5 म्यूटेंट्स और टीम एक्सपार्क इस टाइम बैड बैच में जाती हुई नजर आ रही है। रॉयल फोर्स जिनोन स्पोर्टर टीम फैल्कंस यहाँ पर उनको भी जरूरत है यहाँ पर मैचेस को और अच्छा बनाने की, क्योंकि तीन मैचेस गुजर चुके हैं यहाँ पर, तीन मैचेस गुजर चुके हैं और हमारे पास सिर्फ तीन मैचेस रह चुके हैं। तो हमजा बहुत ज्यादा जरूरी है जो टीम इस टाइम लाइक रेडी टू रश के लेवल तक पहुंचना चाहती है उसको अपनी परफॉर्मेंस और निखारनी पड़ेगी, अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो कहीं ना कहीं उन टीम्स के लिए मुश्किल हो जाएगा रेडी टू रश के सामने यहाँ पर टक्कर दे पाना। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर रेडी टू रश की दो बुया आ चुकी हैं और दो बुया ऐसी बुया नहीं है कि हम कह सकें कि 5 म्यूटेंट जैसी बुया निकाली है, 6 किल्स के साथ बुया नहीं हुई यहाँ पर, ऑलमोस्ट उन्होंने डबल फिगर्स में किल्स किए हैं और उसके बाद बुया की है। तो मतलब इस टाइम रेडी टू रश एक जलवा दिखा चुकी है अपने तीन मैचेस में, और अगले तीन मैचेस उनके लिए कितने अच्छे रहते हैं ये देखना पड़ेगा और बाकी टीमों के लिए किस तरह के रहते हैं ये जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ आज का फोर्थ मैच अल्पाइन मैप स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद दो मैचेस रह जाएंगे हमजा, तीन मैचेस खत्म होने के बाद अब हम कह सकते हैं कि एक टीम है हमारे पास जो इस टाइम बाकी टीमों को थोड़ा सा पीछे छोड़ती हुई फाइनल को जीतने की दौड़ में आगे बाकी नजर आ रही है।
बिल्कुल, 3 मैचेस हो चुके हैं फाइनली और इस वक्त जो है टीम रेडी टू रश का पड़ रहा है, काफी भारी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन बाकी टीम्स के लिए जो एक अलार्म हो सकता है ये मैच कि अब जो है जा जाओ वरना जो है रेडी टू रश इस टाइटल को अपने साथ ले जाएगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा टाइटल रहने वाला है इसमें, जिसका 400 USD प्राइस पूल है। और एक USD जहाँ पे आ जाता है वो तो फिर एक अलग ही बात हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, HOB कारवां जो कि फर्स्ट टाइम टूर करा रही है और इस वक्त इनका टूर कामयाब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भी लाइव स्ट्रीम पे आ रहा है वो लाइव स्ट्रीम को शेयर कर दे गाइस। बहुत मेहनत होती है इस टूर के पीछे, जिस तरीके से गुरु भाई ने नाम आपको बताया, हमारे साथ मैनेजमेंट में मुइज़ भाई होते हैं, काफ़ी जो है एक अच्छी पर्सनैलिटी वाइज बंदे हैं और काफ़ी एक अच्छे इखलाकिन भी हम उनकी बात करें काफ़ी अच्छे रहते हैं। और मैच को जो है हमें देखने को मिल चुका है, स्टार्ट हो चुका है, लैंडिंग स्पॉट्स की तरफ भी बढ़ते चलेंगे। टीम दी फैल्कन्स हमें देखने को मिल सकती है, काफ़ी अच्छी रोटेशन हमें इनके पिछले मैच में नहीं देखने को मिली थी, डाउनफॉल आया था और पिछले मैच में काफ़ी बैड उनका लक रहा था। और इस वक्त दिखना है अल्पाइन है एक न्यू मैप की जानिब से देखा जाता है, अब तो खैर बहुत सारे मैप्स आ चुके हैं नेक्स्ट एरा एक्सेट्रा, लेकिन अभी देखना है कि क्या सीन्स रहने वाले हैं। टीम दी फैल्कन्स जिस तरीके से मैंने बात की कि इनकी रोटेशन देखने को मिल सकती है, स्टेडियम पे जो है फाइट करने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं टीम सिलियर्स के साथ, जो कि काफ़ी खतरनाक फाइट रह सकती है टीम दी फैल्कन्स के लिए। बिल्कुल सामने से हमें चारों के चार प्लेयर जाते हुए दिखाई देंगे। आई थिंक कि यहाँ पे एक और टीम आ चुकी है और काफ़ी खतरनाक मामलात हमें देखने को मिलेंगे। सामने से फाइट ली जा रही है, सिलियर्स के खटक की बात कर ले, गन मिल चुकी है, दोनों लॉन्ग रेंज के साथ मौजूद हैं, टोकन्स भी मिलेंगे, ग्लू वॉल्स भी मिलेंगी। इस वक्त ब्लू जोन का जो इंतखाब किया जाएगा वो टीम ज़ेनॉन ईस्पोर्ट्स की जाने से किया जाएगा। अभी तक किसी टीम के किसी प्लेयर को नॉक नहीं किया गया है, किसी किल का नुकसान नहीं हुआ है किसी टीम को भी, लेकिन अभी देख रहा है कि टीम सिलियर्स क्या यहाँ पे टीम दी फैल्कन्स को कम्प्लीटली शट डाउन कर पाएगी या फिर नहीं। दोनों टीम्स काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजीज के साथ मैदान में उतर चुकी हैं और फाइट एक काफ़ी खतरनाक रह सकती है। प्लेयर्स अंदर ही अंदर मौजूद है या फिर किसी तरीके से प्लेयर को जो है वो कंफर्टेबल महसूस किया जा रहा होगा यहाँ पे जिस तरीके से, लेकिन कवर की इस वक्त काफ़ी सख्त ज़रूरत है, नॉक किया जा सकता है, प्लेयर्स को काफ़ी डैमेज दिया गया है, अली को काफ़ी डैमेज दिया गया है, बिग टील को जो है यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। टीम एक्सपार्ट की बात कर लें, एक किल के साथ मौजूद है इस वक्त टीम एक्सपार्ट, यहाँ पे अपनी पोजीशंस को जो है महफूज करते हुए दिखाई दे रही है टीम 5 म्यूटेंट्स की बात कर लें। कार्टून नेटवर्क जो कि काफ़ी अच्छा मैच रहा पिछला, अनफॉर्चुनेटली बुया से महरूम रहे, लेकिन इस वक्त देखना है कि किस तरीके से जो है फाइट को जो है किया जाएगा। विंटेज पे मौजूद है, फुल विंटेज वाली वाइब्स अपने पास जो है इफेक्ट करते हुए दिखाई दे सकती है। टीम से नॉन ई स्पोर्ट्स मौजूद है रेल रोड के ऊपर, यहाँ पे टीम यहाँ पे काफ़ी खतरनाक रह सकता है। ब्लू जोन हमेशा से काफ़ी अच्छी फाइट हमें दस्तियाब करता है, लेकिन इस वक्त जो है मुझे नहीं लगता कि ब्लू जोन में फाइट होगी। रेडी टू रश की बात करें, 2 मैचेस में बुया कर चुकी है और इस वक्त जो है 3रे मैच की भी उम्मीद पे आ चुकी है अल्पाइन के अंदर। लेट्स सी क्या मामलात होगा, इस वक्त मौजूद है सनसेट की तरफ। एंग्री केस की बात कर ले, राना जो कि अपनी टीम की क़यादत करते हुए दिखाई देते हैं, काफ़ी अच्छा रहा था इनका पहला और दूसरा मैच, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3रे मैच में भी जो है थोड़ा सा इनका जो है बैड पैच रहा और इस वक्त फाइट हो चुकी है। बिल्कुल आएगी रे और रॉयल फोर्स की फाइट अभी देखने को मिलेगी, टीम सिलियर से एक किल करते हुए कन्फर्म करेगी, बिल्कुल सेकेंड प्लेयर को भी कन्फर्म करेगी। दी फैल्कन्स क्या यहाँ पे एसिड जो है राजा का मुकाबला कर पाएंगे या फिर नहीं, एंटी मटेरियल लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे, लेकिन M18 बिल्कुल यहाँ पे ओ माय गॉड डाउन करेंगे खटक को, यहाँ पे पीछे से आ सकते हैं मगर नहीं, डाउन करेंगे अपने प्लेयर को, रिवाइव किया जाएगा, किल को कंफर्म किया जाएगा। सिलियर्स आती है बिल्कुल ऊपर और डबल किल की आवाज़ लग चुकी है, खटक की बात कर लें, 25 का HP है, मेडिकेट यूज़ करना ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से बैठते हुए डर रहे हैं कि कहीं से भी शॉट आ सकता है और मैं जो डाउन नहीं देना चाहता इस वक्त अपनी टीम को। लास्ट प्लेयर अब्बासी रह चुके थे फैल्कन से, इस वक्त जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं और उनको रिवाइव देना होगा, अपनी टीम को इस मैच में लड़वाना होगा क्योंकि एक मैच भी बेकार गया। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से जो है टीम फैल्कन यहाँ पे एलिमिनेट होती नजर आती है, लेकिन अब्बासी बच जाएंगे। अभी अनस्टॉपेबल के सिर्फ 3 प्लेयर्स हमें ज्वाइन करते हुए नजर आए हैं और 0 किल के साथ मौजूद है। टीम एक्सपार्क की बात करते हैं तो टीम एक्सपार्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो यहाँ पर एक अपनी एक्सपीरियंस गेम प्ले दिखाए, अपना जो है वो सीनियर टीम की तरह खेल कर दिखाए, जो कि अभी तक नहीं देखने को मिला। उनकी बुया नहीं आई, एक ही मैच अच्छा गया है, 2 मैचेस बैड पैच में जाते हुए नजर आए हैं, आगे 3 ही मैचेज रह चुके हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ 3
मैचेस यहाँ पर पीछे रह चुके हैं और उसी में यहाँ पर उनको अच्छा खेलना पड़ेगा। फाइव म्यूटेंट्स को भी इसी चीज़ की जरूरत है। मैं वही बात कर रहा था, इन्होंने पूजा जरूर निकाली थी 6 किल्स के साथ, लेकिन वो पॉइंट्स इनको सिर्फ अगले मैचेस के लिए काफ़ी नहीं रहने वाले थे जो उनको टॉप पे रख सकते, इसीलिए उनको अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी थी, लेकिन अभी तक नहीं देखने वाली। कार्टून नेटवर्क पर थी एंग्री की, ये होने वाली है डू एंड डाई की सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर मरो या मारो वाला सीन होगा और कोई भी टीम यहाँ पर एलिमिनेट होगी। अरे भाई, करीब वाले बंदे को छोड़ दिया और दूर वाले बंदे को मारने की जा रही है यहाँ पर। लेट्स सी कि यहाँ पर एक प्लेयर को डाउन और दो प्लेयर को डाउन कर दिया गया। यहाँ पर कार्टून नेटवर्क आ चुकी है पूरी तबाही में, 3 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं एंग्री किंग्स के और सिर्फ अब्दुल्ला बचे हैं यहाँ पर और क्या बचने में कामयाब होंगे ये देखना पड़ेगा। थोड़े से दूर जरूर निकल चुके हैं, लेकिन अगर कार्टून नेटवर्क ने सपोर्ट कर लिया है तो फिर नहीं बच पाएंगे। अब गोलियां भी यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है, अगर व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे तो शायद बचने में कामयाब हो जाएंगे। व्हीकल लेना चाह रही है यहाँ पर, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि वो बचने वाले हैं। रहील अगर डैमेज देंगे तो शायद यहाँ पर थोड़ी मुश्किलें पैदा करते, लेकिन नहीं, क्या बात है, एंग्री किंग्स के अब्दुल्ला यहाँ पर अपनी टीम को बचाने में कामयाब होते होते रह चुके हैं और 5 म्यूटर्स ने उन्हें अब सपोर्ट कर लिया है। ये किल अब मेरा ख्याल है कि 5 म्यूटर के खाते में जाने वाला है। अकेले एंग्री किंग के अब्दुल्ला मौजूद है, बहुत ज्यादा सेव करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एंग्री किंग्स गाइस यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी आज के 4th मैच में। बिल्कुल, कार्टून नेटवर्क की बात करें, जिन्होंने ईस्पोर्ट्स की बात कर लें तो लास्ट प्लेयर ट्राई हार्ड हमें बचे हुए दिखाई देते और इस वक्त जो है वो भी गाड़ी से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ ऐसा ना हो जिस तरीके से जो है एके अब्दुल्ला के साथ हमें होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि वही गाड़ी और वही सिचुएशन है तो कुछ भी हो सकता है। सिलियर्स की बात कर लें, वो भी सामने मौजूद है। हुज्जी को काफ़ी जो है डैमेज दे दिया गया, एक प्लेयर का ऑलमोस्ट नुकसान कर चुके हैं। हुज्जी अगर यहाँ से अपने आप को रिवील्ड करेंगे डैमेज पड़ेगा ऑलमोस्ट और यहाँ पे वो नॉक होंगे, लेकिन प्लेयर्स की जानिब से अच्छी कम्युनिकेशन के हिसाब से जो है ट्रीट मिला है और उनको जो है थोड़ी सी हील होती हुई दिखाई दी है। खट्टक एक अच्छे प्लेयर हमें देखने को मिलते हैं, पीछे से डैमेज आएगा, हुज्जी अपने आप को कवर करेंगे। एक प्लेयर का नुकसान जरूर है, लेकिन देखते हैं कि अपने प्लेयर को किस तरीके से कितना जल्दी जो है एज पॉसिबल एज सून जो है रिवाइव किया जाएगा। लेट्स सी के क्या मामलात होगा। रिवाइवल करीब में ही मौजूद है, टीम सिलियर्स इस वक्त कोई चाहती नहीं ऐसा डिसीजन ले जिससे जो है उनको नुकसान मिले, क्योंकि काफ़ी जो है स्टैंडिंग वाइज देखें तो काफ़ी लो हमें देखने को मिल सकते हैं टीम सिलियर्स। टीम एक्सपर्ट की बात करें उसामा भाई, अब कहीं ना कहीं शुरू में हमें टीम एक्सपर्ट जो है अलग सा जो है उनका रूप था और अब देखें तो एक अलग ही रूप हमें देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी टीम एक्सपर्ट लाइक अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वो बाकी न्यू टैलेंट की टीम्स इस लेवल की गेम प्ले कर रही है कि हमें अब वो पुराने नेम थोड़े दबे दबे दिखाई दे रहे हैं, हमें वो नुमाया नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं कि लाइक वो यहाँ पर अपना एक अग्रेसिव गेम प्ले कुछ मेच्योर गेम प्ले दिखाते हुए नजर आए, वो चीज़ें थोड़ी कम दिखाई दे रही हैं इनकी जानिब से। जबकि नई टीमें लाइक RTR अब देखें कि इतनी तगड़ी टीम साबित होती हुई नजर आई है, 2 बुया निकाल चुकी है, अच्छे पॉइंट्स हैं, अच्छे किल्स हैं उनके साथ साथ। हमारे साथ नई टीमें अब देखते हैं, यहाँ पर कार्टून नेटवर्क बड़ी अच्छी खेल रही है, तो ये टीमें अभी दिखाई दे रही हैं और हमें जो है वो बिल्कुल मध्यम 5 MT लाइक और टीम हमारे साथ एक्सपार्क बिल्कुल मध्यम साइज मतलब दिखाई दे रही है, टीमों का सीन दिखाई दे रहा है। लेकिन खैर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अभी भी 3 मैचेस बाकी हैं, कुछ बड़ी बातें नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ी टीमें फिर बड़ी बड़ी चीज़ें करके दिखा देती हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पर कार्टून नेटवर्क और टीम 5 मीटर्स की ये फाइट कैसी रहने वाली है, क्योंकि ये दो टीमें ऐसी टीमें थी जो कि मेरा ख्याल है कि एंग्री किंग के लास्ट बंदे के पीछे पड़ी हुई थी। अब इनको आपस में भी लड़ना पड़ेगा क्योंकि 5 म्यूटर ने किल तो लिया है वहां पर और वो किल यहां पर जो है वो अब्दुल्ला का गया था, एंग्री किंग वाले अब्दुल्ला यहां पर खत्म होते नजर आए थे, लेकिन अब यहां पर 5 म्यूटर्स और टीम कार्टून नेटवर्क। लास्ट मैच में गुस्सा तो होगा कि भाई बुया कैसे मिस हो गए जबकि 2 प्लेयर से हम पूरा स्क्वाड खत्म हुए हैं, तो उस चीज़ के गुस्से को उतारने के लिए उन्हें 5 MT को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन इस गुस्से की आग में अगर वो खुद ही जल जाते हैं लाइक अब वो ज़्यादा किल्स के चक्कर में पड़ते पड़ते यहाँ पर 5 MT से एलिमिनेट हो जाते हैं तो फिर उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो खराब सीन होने वाला है। तो गाइस थैंक यू सो मच जो भी बंदे में ज्वाइन हुए, तो होप करता हूँ कि यहाँ पर आज आप 200 लाइक्स का टारगेट एम जरूर पूरा करेंगे, कि लाइव स्टार्ट होने से पहले ही 100 लाइक्स हो चुके थे, तो 100 लाइक्स तो कम से कम यहाँ पर आप लोग हमारे लिए जोड़ ही सकते हैं। तो 147 लाइक्स है, जिसने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया वो लाइक कर दे और थोड़ी सपोर्ट दिखा दे अपनी। और बाकी अगर बात करते हैं तो आज का 4th मैच हमारे साथ चलता हुआ नजर आ रहा है जो कि कार्टून नेटवर्क और 5 म्यूटर्स के दरमियान फाइट के साथ यहाँ पर देखने को मिला। बिल्कुल, टीम जेनॉन ईस्पोर्ट्स की बात कर लें तो वापस से मैदान में आ चुकी है टीम पीके बैटालियंस, इस वक्त व्हीकल का यूज़ करते हुए दिखाई देगी और इस वक्त जो है ब्रिज का जो एक अहम रोल हो सकता है
जोन से आने वाली टीम्स के लिए। और इस वक्त अभी भी जो है कह सकते हैं कि जिस तरीके से फाइट्स की जा रही हैं, पीके बटालियन एक स्टोन को जो है होल्ड करके हुए दिखाई दिए, अपने कवर में जो है उनको जो है मुसल्लत करा हुआ है इस पत्थर को कि हम इसके कवर में बैठ के जो है सारी फाइट्स लेंगे। और पीके बटालियन बिल्कुल हाइट एडवांटेज इनके पास मौजूद है, जोन की शेंकिंग इस वक्त जारी है। कौन सी टीम्स होगी जो यहाँ पे जो है एक अच्छा जो है मैच हमें खेलते हुए दिखाई देंगी? अभी भी इसके बाद दो मैचेस मजीद मौजूद है। रेडी टू रश की बात करें, काफ़ी तगड़ा इनका जो है हमें इस टूर्नामेंट में एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। लेट्स सी क्या होता है। टीम अनस्टॉपेबल्स भी मौजूद है, टीम फाइव म्यूटेंट्स की फाइट होते हुए दिखाई देगी। एक प्लेयर नुकसान कर चुके हैं, कार्टून नेटवर्क जो कि पिछले मैच में काफी खतरनाक परफॉर्मेंस दी। राहील को हेडशॉट लगा सकते हैं मगर यहाँ पे हाशु बिल्कुल मशीन गन का इस्तेमाल करेंगे। सामने से प्लेयर आते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पे नेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पीछे जाएंगे, बिल्कुल पीछे जाएंगे। शॉट लेने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई। साइक यहाँ पे आएंगे, ऐसा रशर रोल प्ले करेंगे, ग्लू वॉल लगाई और यहाँ पे उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया। हाशू आएंगे, बिल्कुल आएंगे, फ्रंट पे आएंगे, नॉक कर सकते हैं एक प्लेयर को, काफी डैमेज मिला। बैक फॉरवर्ड हो गए, बिल्कुल होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे साइक और हाशू ने दोनों ने पूरी कार्टून नेटवर्क को जो एक बहुत ही खतरनाक मराहल में डाल दिया। पिछले मैच में तो चलो बुया मिस हुई और 2v4 सिचुएशन थी, लेकिन अब 2v4 में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि अब कार्टून नेटवर्क 11th पे एलिमिनेट हो चुकी है हमसे। बिल्कुल, कार्टून नेटवर्क पिछले मैच में जो है काफ़ी सेकंड टीम हमें देखने को मिली थी एज अ पॉइंट टेबल बात करूं तो, लेकिन इस वक्त वही उसामा भाई वही है कि हर मैच के बाद स्टैंडिंग्स कुछ अलग देखने को मिलती हैं और ग्रैंड फाइनल का है स्टेज तो क्यों नहीं देखने को मिलनी चाहिए, बिल्कुल देखने को मिलनी चाहिए भाई। ये तो सारी डिजर्विंग टीम्स हैं जो कि इतनी मेहनत के बाद यहाँ पर पहुँची हैं। और लेट्स सी किस तरीके से बात की जाएगी टीम पीके बटालियंस के जाने से, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमें पीके बटालियंस का वो रोप नहीं देखने को मिला है जो कि आजकल देखने को मिल रहा है। बाकी मैंने इनकी परफॉर्मेंस अभी देखी है कुछ टाइम पहले, तो काफ़ी अच्छे खेल रहे हैं आजकल लड़के, फुल मूड में आए हुए हैं। लेकिन टीम अनस्टॉपेबल्स 8 kills के साथ 3 players गेम में आए और जोकर 5 eliminations के साथ इस वक्त मौजूद हैं। उसामा भाई एक 5 eliminations, एक तो आपको पहले ही सदमा लगेगा कि आपका एक प्लेयर गेम में नहीं है, ग्रैंड फाइनल है और आप इस तरीके के जो है थोड़े से मसाइल जब आते हैं तो बंदा घबरी हो जाता है। और इस वक्त जोकर 5 eliminations के साथ इस वक्त जोन को कवर करेंगे, 4 glue walls मौजूद हैं, 3 medikits लेफ्ट इनके पास और देखना है किस तरीके से हैंडल करेंगे। टीम एक्स फार्क एकदम अब जो है भाई बिल्कुल थोड़ा सा जो है एक अपने फॉर्म में आएगी और इस वक्त जो है लास्ट जोन की फाइट के लिए खेलते हुए नजर आएगी। इन फेमस पीछे होल्ड करेगी टीम रेडी टू रश, ओ माय गॉड रेडी टू रश की फाइट होते हुए दिखाई देगी। 2 matches में भूया लेने के बाद तीसरे मैच में भी एक बहुत ही अहम मराइल में आती है। जेंडल पीके पीछे से आते हैं, नॉक करेंगे लीडर रयान को, यहाँ पे जो है नॉक किया गया है। अब्दुल को भी यहाँ पे काफी खतरनाक मुश्किल हो सकती है। मदारा यहाँ पे मौजूद है, नेट किए जा रहे हैं लेकिन परफेक्ट नेट्स नहीं हो पा रहे। मदारा को एक अच्छा कवर मौजूद है। 5 mutants को एलिमिनेट कर दिया गया टीम से नॉन की जाने से। इस वक्त टीम इन फेमस भी जो है अब थोड़ी सी अपनी रोटेशन लेते हुए दिखाई देगी। टीम रेडी टू रश, मदारा दी लास्ट वन स्टिल अलाइव फ्रॉम टीम पीके बटालियंस। लेट्स सी हाउ टू मेक अपॉइंटमेंट फॉर द पुयास। लेट्स सी टीम रेडी टू रश क्या यहाँ पे टीम पीके बटालियंस को शट डाउन करेगी। लेट्स सी एक दफा फिर से अंदर आते हुए दिखाई देते हैं, मदारा एकदम सेफली जो है यहाँ पे होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे। इस वक्त जोन का डैमेज जरूर मिलेगा, लीडर भी पीछे मौजूद है लेकिन रेडी टू रश को ऐसा लगता है कि जो है यहाँ से मदारा जा चुके हैं और मेरे ख्याल से मदारा जो है अच्छा होल्ड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पोजीशन किल तो नहीं, कम से कम पोजीशन बचा सकते हैं क्योंकि अभी भी 7 teams हैं। सेकेंड लास्ट जोन हमारा बनने को तैयार है और इस वक्त 7 teams अलाइव है। काफी इससे हमें ये पता चल रहा है कि हर टीम जो है इस वक्त काफी सीरियस मूड के अंदर आई हुई और इस वक्त बतारा मदारा से ओरियो के झंझे में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। प्लेयर को नॉट करेंगे व्हीकल के जरिए लेकिन उतरना यहाँ पे नामुमकिन हो सकता है, बिल्कुल गाड़ी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इन फेमस ई स्पोर्ट ब्लू रश करने के मूड में जाएंगे, एम 18 मौजूद, मदारा यू कैन डू इट।
मतदार है क्या यहाँ पे करेंगे, मुइस को टॉप किया गया है यहाँ पे और ग्लू एल्टर का यूज किया जाएगा, गुजर अंदर आएंगे, 1v3 की सिचुएशन है, प्लेयर एक जरूर नॉक है लेकिन मदारा इस वक्त अपनी हिम्मत से कान लेते हुए दिखाई देते हैं, खुर्री यहाँ पे जो है फेमस के दो प्लेयर्स को नॉक करेंगे, मदारा की मदद होती है, ब्लू नॉक है यहाँ पे, प्लेयर को रिवाइव किया जाता है, मदारा को नॉक किया यहाँ पे, अरे हमें भाई लड़ने दो एक्सपार्ट के साथ, मदारा हमें डिस्टर्ब नहीं करो, लेकिन मदारा बोल रहे हैं भाई मैं अकेला ही हूँ यार कुछ तो कर दे, दो अनस्टॉपेबल्स को भी शट डाउन किया जाएगा, किल बिल्कुल भी मौजूद नहीं है टीम पीके बटालियंस के पास, लेकिन किसी तरीके से जो है हैंडल को करना है फाइट, यहाँ पे लैंड माइन लगा दी गई है पीके मदारा की जानिब से, यहाँ पे ग्रोजा मौजूद है, मेडिकेट टीम मौजूद है, हील अप करना होगा मदारा को, काफी अनप्रेडिक्टेबल यहाँ पे जो है सिचुएशन मौजूद है मदारा के लिए, टीम रॉयल फोर्स आएगी रेडी टू रश को जो है शट डाउन करेंगे, स्नूप डॉग यहाँ पे ट्रिपल किल करेंगे रेडी टू रश के लिए, और इस वक्त जो है जिन्नॉन के ट्राई हार्ड भी अकेले मौजूद आएंगे, सामने से आएंगे, ओ माय गॉड मदारा दी लास्ट मोमेंट हो सकते हैं एक बार, ओ पीके बटालियन नॉक फ्रॉम लास्ट 5 स्लॉट्स इन दिस मैच, लेकिन देखना होगा इन फेमस अभी तक जो है काफी होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्या टीम एक्सपार्ट का सामना कर पाएंगे, हेड एडवांटेज मौजूद है, काफी मुश्किलात रह सकती है, जिनॉन के ट्राई हार्ट अभी भी नीचे उनके जो है होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं, इन फेमस के मुइस को नॉक किया जाएगा, स्केरी आगे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, डैमेज मिलेगा, सरप्राइज को डैमेज मिलेगा, नीचे आते हैं ब्लैक हॉक के नेट्स जारी है, आरएफ स्केरी अंदर घुस चुके हैं, चार्ज बस्टर मौजूद, फाइट फोर साइडेड हो चुकी है, चार टीम इस ग्राउंड के अंदर मौजूद है, ओ माय गॉड क्रोनो का यूज किया जाएगा, एक तरफ जिनॉन के ट्राई हार्ड मौजूद है, दूसरी तरफ एक बड़ी फाइट हमें देखने को मिल रही है, प्लेयर को नॉक किया जाएगा, बिल्कुल दो प्लेयर्स नॉक है, टीम ब्लैक एक्स पार्ट के ब्लैक हॉक, काफी खतरनाक सिचुएशन, और इस वक्त जो है 3-2-1 की सिचुएशन है, 3-2-1 वो वाला नहीं, 3-2-1 प्लेयर्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एक प्लेयर जो है टीम जेनॉन का मौजूद है, दो प्लेयर्स टीम इन फेमस के मौजूद है, तो तीन प्लेयर्स टीम एक्सपार्ट के है, मदद लेनी पड़ेगी दोनों टीमों को एक दूसरे की, क्योंकि यहाँ पे ऊपर टीम एक्सपार्ट को एलिमिनेट अगर करना है टीम एक्सपार्ट, ये ही परफॉर्मेंस काफी देर से आपके नुमाइंदे जो आपके लाइव सेक्शन में मौजूद हैं वो चाहते थे, और फाइनली अब उनको प्रोवाइड किया जाएगा, अंदर आते हैं यहाँ पे डैमेज दिया जा रहा है, अरे अरे मैक्स एविन काम नहीं कर रही है इनकी टीम से, नॉन ई स्पोर्ट्स को शट डाउन, oh my black god hawk black hawk the last one infamous good job versus black hawk oh my god charge buster ka istemal dekhne ko milega yahan pe phasa chuke hai black hawk are bhai kya karte ho tum yahan pe 11 kills maujood ho oh my god team expert shut down and getting booyah team infamous esports Oh my God, guys, यहाँ पर इन फेमस स्पॉट यहाँ पर पूरा निकालती हुई नजर आएगी, लेकिन टीम एक्सपार्क क्या ही जलवे थे यहाँ पर इस मैच में, और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कब हमें देखने को मिलेगा, और फाइनली हमें जो है वो आज के फोर्थ मैच में जाके टीम एक्सपार्क ने कुछ ना कुछ करके दिखाया है, लेकिन यहाँ पर इन फेमस भुया निकालेगी यहाँ पर, और गुज्जर की तरफ से बहुत अच्छी गेम प्ले जो कि अपनी टीम में से सबसे बेहतरीन प्लेयर देखने को मिलेंगे, चार मैचेस खत्म हो चुके हैं 8 किल के साथ 20 पॉइंट्स बनाकर इन फेमस टॉप पर है, एक्सपार्क सेकंड पर 20 पॉइंट के साथ है, और इसके साथ साथ अगर डबल फिगर्स की बात करते हो तो अनस्टॉपेबल 7 पे आके भी अच्छे किल्स करके 12 पॉइंट्स जोड़ने में कामयाब हुई है, रॉयल फोर्स 13 पॉइंट के साथ है, और रेडी टू रश जो कि जिनको अपने पॉइंट्स की जरूरत है वो चाहे इस बार वो ये नहीं कर पाए लेकिन पॉइंट्स फिर भी अच्छे बनाने में कामयाब हुई है, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली उनकी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, लेकिन हम बढ़ेंगे गाइस आज के सेकंड लास्ट मैच की जानिब जो कि बरमूडा मैप रहेगा, और देखेंगे इस बरमूडा मैप में क्या सीन होता है और कितना खतरनाक साबित होता है टीम रेडी टू रश के लिए, क्योंकि रेडी टू रश कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस दे रही है, दो बुया हैं, दो मैचेस अच्छी गई हैं, और अब देखना पड़ेगा कि वो कितना अच्छा प्ले करती हुई नजर आती है आज के सेकेंड लास्ट मैच में, बिल्कुल काफी अनप्रिडिक्टेबल अनएक्सपेक्टेड रहा था गुज्जर का इस तरीके की परफॉर्मेंस का, क्योंकि गुरु भाई मैंने यही सोचा था कि टीम एक्सपार्क एक तो उनके पास हाइट एडवांटेज मौजूद है, ऊपर से प्लेयर्स की भी बात करें तो एक ही प्लेयर जो है टीम जेनॉन का था, दो प्लेयर्स इन फेमस के थे,
लेकिन जिस तरीके की मदद हुई है एंड में, दो प्लेयर्स को नॉक करते हैं एट द एंड, लास्ट में ब्लैक हॉक का बैट पैच होता है, वो समझते हैं उनके हाथ में गन है लेकिन उनके हाथ में जो है स्ट्रीक होती है, वो उसको ही जो है डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनकी उनकी रेंज से बाहर था, तो जिसकी वजह से जो है आज हमें जो है टीम एक्सपर्ट का एक पूरा हमें सोते हुए दिखाई दिया। लेकिन अभी भी दो मैच मौजूद है जो कि अब बरमूडा लगने लगा है और उसके बाद कलाहारी भी मौजूद है। लेट्स सी कि इन दो मैचेस में किसकी क्या परफॉर्मेंस आती है। टीम रेडी टू रश को अगर चैंपियन बनना है तो अपनी पोजीशन को मजबूत करना है, लेकिन रखना भी है, मजबूत तो कर रही है लेकिन रखना भी है उसको बरकरार, क्योंकि बाकी टीम्स भी जो है अपने पॉइंट्स को जो है गेन करते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरीके के 20 पॉइंट्स अभी हमें टीम इनफेमस ने कनेक्ट किए, 20 पॉइंट्स टीम एक्सपर्ट ने किए, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर टीम का एक अगर एक अच्छा मैच जा रहा है तो एक बुरा मैच जा रहा है, एक अच्छा मैच जा रहा है तो एक बुरा। तो अभी मैच नंबर 5 है, बरमूडा का मैप है, लेट्स सी के क्या रहने वाला है, क्योंकि मैच जो है काफ़ी एक अलग लेवल के हमें देखने को मिल रहे हैं। हर मैच में जो है एक अच्छी फाइट हमें देखने को मिल रही है। दो मैचेस हमारे जो है टीम रेडी टू रश के हक में रहे, एक मैच 5 म्यूटेंट्स के हक में रहा जो कि मैच नंबर 1 था, लेकिन मैच नंबर 1 के बाद जो अलग ही उनका जो है हार्ड लग हुआ है टीम 5 न्यूटन्स का, वो हट के नहीं दे रहा है और अब जो है दो ही मैचेस रह चुके हैं। लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करेगी टीम 5 न्यूटन्स की बात कर लें या टीम एक्स पार्क की बात कर लें, मजीद टीम एंग्री किंग्स की बात कर लें, काफ़ी अच्छा स्टार्ट देखने को मिला था लेकिन अब देखते हैं क्या मामला होते हुए दिखाई देंगे। लैंडिंग स्पॉट्स की बात कर रहे हैं और इस वक्त प्लेन जो है काफ़ी जो है नखरे दिखाते हुए इंटर होता है और इस वक्त जो है रेडी टू रश शिपयार्ड की तरफ जो है जाने का फैसला करेगी टीम पीके बटालियंस की बात कर ले। 5 म्यूटेंट्स हमेशा की तरह अपने पीक की तरफ आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन लेट्स सी पीके बटालियंस उनकी लैंडिंग स्पॉट पे उनसे क्लैश करने के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिल्स पे जाते हुए दिखाई देगी टीम अनस्टॉपेबल्स। टीम एक्सपार्क की बात करें तो मिल्स और जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी अलग ही उनकी सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी, कैराटॉन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइट्स यहाँ पे काफ़ी क्लैश हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे एक तरीके से बात कर ले टीम सिलियर्स की कर लें या टीम रॉयल फोर्स की कर लें, दोनों ही फैक्ट्री पे मौजूद है, काफ़ी खतरनाक फाइट रहेगी। द फाल्कन्स ऑब्जर्वेटरी की तरफ जा चुकी है अनस्टॉपेबल्स। ब्लू जोन जो कि हैंगर की तरफ बन चुका है उधर जा चुकी है, इस वक्त देखना होगा फाइट होते हुए दिखाई देगी टीम एक्स पार्क के लिए। यहाँ पे खतरों की घंटी बज चुकी है। टीम सिलियर्स की बात कर ले तो वो भी फाइट करते हुए दिखाई दे सकती है, थर्ड पार्टी बन सकते हैं, लेकिन टीम से नॉन ई स्पोर्ट्स वर्सेस टीम रॉयल फोर्स, क्या लगता है गाइज आप लोग को कौन सी टीम इस फैक्ट्री के जो है फाइट को जो है विन करते हुए दिखाई देगी। फर्स्ट ब्लड हमें टीम एक्स पार्क की जानिब से भी देखने को मिल सकता था, लेकिन टीम पीके बटालियंस के जो है मदारा इस वक्त जो है किलिंग मशीन का टैग लेते हुए दिखाई देंगे। जेनॉन ट्राईहार्ड नीचे मौजूद है, ओरियो की एंट्री यहाँ पे मुसल्लत है, लेट्स सी क्या होगा। P90 यहाँ पे जो इनके पास मौजूद है और आगे जाने की कोशिश करेंगे। मदारा एक और किल को कंफर्म करेंगे। अली यहाँ पे मौजूद है, शॉट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओरियो इस वक्त जो है प्लेयर्स को ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स उनको मिल नहीं रहे हैं और ये में भी उनके जो है कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे काम आ सकती हैं। सामने से जो है रिवाइवल का यूज किया जा रहा है। टीम रॉयल फोर्स के एक प्लेयर जो है रिवाइवल के अंदर जाके ठहर चुके हैं कि हम जो है यहाँ पे जो है एक तो दावत भी देंगे, ऊपर से अगर प्लेयर नॉक है तो उनको रिवाइव भी देंगे। बिल्कुल दो प्लेयर्स नॉक है। स्नूप डॉग यहाँ पे रिवाइवल का यूज करेंगे। कोई हैवी लूट मौजूद नहीं है इनके पास, फमास है जो कि किस्मत वालों से चलती है और वो चलती है तो फिर ऐसा चलती है कि कुछ कहने नहीं है। और बहुत ही खतरनाक किस्म की फाइट हमें देखने को मिली थी और अब जो है मैदान छोड़ के जाते हुए दिखाई देने वाले हैं टीम रॉयल फोर्स के एक स्नूप डॉग। इनके पास एक ग्रेनेड मौजूद है, एक दो मेडिकेट से एक वॉल मौजूद है, काफी अलग फाइट रहने वाली है। एक प्लेयर को नॉक करेंगे, बिल्कुल यहाँ से जो है फमास का इस्तेमाल करेंगे, डैमेज देंगे, लेकिन इस वक्त किल जो है उनके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है और आई थिंक अब इनके पास किंग फिशर मौजूद है जो कि काफी एक अच्छी गन है। ओरियो का जो है सामना करते हुए दिखाई देंगे। स्नूप डॉग क्या यहाँ पे कंप्लीटली शट कर सकते हैं या फिर नहीं, क्या ही सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। यूएवी की भी एंट्री हो चुकी है, साइक मौजूद है इनके पास, आगे जाते हुए दिखाई देंगे। रश का फैसला किया गया है, आगे जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे गन मौजूद, डैमेज दिया ओरियो, लेकिन बचते हैं यहाँ पे मैक्स 7 इनके पास मौजूद है। डैमेज 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 नहीं, लेकिन इस वक्त बचते हुए दिखाई देते हैं।
यहाँ पे सरप्राइज को अगेन नॉक किया और ओरियो को भी शट डाउन करेंगे। टीम रॉयल फोर्स एक दफा फिर से जो है कामयाबी की तरफ आते हुए दिखाई देगी। दो किल्स कर चुके हैं और इस वक्त किल्स को कंफर्म किया जाएगा। अनस्टॉपेबल्स की बात कर ले, ब्लू जोन में अपनी लूट को हैवी करते हुए दिखाई दे रही है। टीम स्लेयर्स केप टाउन की तरफ आ चुके हैं लेकिन इस वक्त करीब उनके कोई टीम मौजूद नहीं है जिनसे वो फाइट में भी ले सकेंगे क्योंकि इस वक्त हैवी लूट भी नहीं है। तीन किल्स खटक अकेले कर चुके हैं, हुजी एक किल कर चुके हैं और इस वक्त जो है चार किल्स का सहारा जो है मिल चुका है टीम सिलियर्स को। लेट्स सी क्या मामलात होंगे। केप टाउन पे अपनी लूट को कंफर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजा की बात कर लें या और भी प्लेयर्स मौजूद है, काफी हैवी सीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली गाइस, और अगर मैप की बात करते हैं तो मैम हमें यहाँ पर फाइट जरूर देखने को मिल रही थी लेकिन अब यहाँ पर कार्टून नेटवर्क और अनस्टॉपेबल के दरमियान भी फाइट होती हुई दिखाई दे सकती है क्योंकि अनस्टॉपेबल यहाँ पर रोटेशन लेती नजर आ रही है और कार्टून नेटवर्क उनके सामने दीवार बन सकती है लेकिन कार्टून नेटवर्क के लिए हम तो दो दफा बैड पैच आ चुका है। 2v4 में हारते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब इनके लिए 2v4 का जो फिगर है वो काफी ज्यादा जो है वो बैड लग जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं दुआ करूंगा कि इस साल के लिए वो अगले साल के शुरू में जो है उनको ऐसा कुछ भी दिखाई ना दे क्योंकि ये फाइनल इनका जरूर यहाँ पे खराब होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप इमेजिन करते कि वहां पर RTR की जगह ये बुया कर लेते और फिर उसके बाद ये जो 2v4 में ना अब हारते हैं 500 से तो कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो सकती थी। और लेकिन अब जाकर हम लोग देख सकते हैं कि वो जो उनके दिमाग में एक चीज़ चल चुकी है कि हम 2v4 में मर रहे हैं तो लाइक उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जरूर लो होता हुआ दिखाई देगा। और लेकिन खैर गाइस, इन फेमस की स्पॉट भी बैक साइड पर आ चुकी है। अनस्टॉपेबल को अब स्टॉप किया जाएगा इन फेमस की जानी से क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट कार्टून नेटवर्क को खत्म कर ही चुके थे। दो प्लेयर्स खत्म कर चुके थे और दो प्लेयर्स यहाँ पर रह चुके हैं लेकिन अनस्टॉपेबल अब खुद भी फंसती हुई दिखाई दे सकती है क्योंकि इन फेमस आ चुकी है और बिल्कुल अब तो बिल्कुल भी चारा नहीं है बचने का क्योंकि इस साइड से भी इन फेमस के प्लेयर गुजर मौजूद हैं, बैक साइड से भी इन फेमस के दो प्लेयर हमें दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी गाइस यहाँ पर क्या बनता है। लेकिन मैप की तरफ बढ़ते हैं तो मैप में हमें बाकी टीम जो है वो अपनी अपनी लूट करती हुई नजर आ रही है। टीम एक्स पार के खुशहाल काफी दूर दिखाई दे रहे हैं और फिर से अकेले रह चुके हैं। हम इनका कम बैक जरूर आया लेकिन अगेन यहाँ पर बैड पैच में जाते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो क्या कहते हैं, टीम एक्स पार स्ट्रगल कर रही है फाइनल में या फिर विन कर सकती है बेबी आपके? गुरु भाई जिस पोजीशन पे मौजूद है इस वक्त मुझे नहीं लगता कि ये जो है इनके लिए आसानी रहने वाली है इस मैच में। लेकिन देखा जाए तो 8 मेडिकेट्स है, 4 ग्लूवॉल्स है, खुशहाल कहीं ना कहीं काबिल हैं इस वक्त फाइट लेने के अगर एक या दो प्लेयर्स उनको मिलते हैं। लेकिन देखना है कि अभी रिवाइवल में जाके बैठेंगे तो अगर टीम एक्सपर्ट मैदान में उतरती है तो हम वापस उम्मीद लगा सकते हैं कि वो इस मैच में आसानी से कमबैक करेगी क्योंकि अभी भी 12 टीम्स की 12 मौजूद है और अलोन यहाँ पे अकेले मौजूद है। अलोन भाई का नेट आई थिंक के प्रॉब्लम कर चुका है और टीम जेनॉन के दो ही किल्स मौजूद और अलोन भाई का नेट जा चुका है जो कि अकेले बचे। और इस वक्त जो है क्या सिचुएशन होगी एट द मोमेंट ऑन माइक, क्या सीन रहने वाले होंगे इस वक्त, काफी जो है डिस्टर्ब रह सकते हैं। टीम अनस्टॉपेबल्स की बात कर ले तो यहाँ पे प्लेयर्स मौजूद है, दो किल्स के साथ मौजूद है। डबल एमिट टू भी बिग डील के जाने से जो है चलाई जा रही है जो कि आई थिंक बहुत ही मैसिव रहने वाली है ये मोमेंट इनके लिए क्योंकि हमेशा से स्नाइपर प्लेयर की कदर पाकिस्तान में बहुत की जाती है और बहुत ही कम टीम्स के पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि यहाँ पे स्नाइपर्स प्लेयर्स देखने को मिलते हैं और काफ़ी टीम्स हैं जो कि कहते हैं स्नाइपर प्लेयर्स हमें चाहिए लेकिन मौजूद नहीं है। इसी मामले पे हमें टीम्स जेनॉन हमारा साथ छोड़ के जाते हुए दिखाई देगी। खुशहाल रिवाइवल के पास ज़रूर पहुँचे और इनके करीब भी कोई प्लेयर नहीं है। क्या टीम एक्सपायर के एक दफ़ा मैदान में आते हुए दिखाई देगी? हमें टीम मौजूद है, 8 मेडिकेट्स मौजूद है, ग्लू वॉल्स ग्रेनेड्स ऑल लूट इज़ अवेलेबल फॉर खुशहाल। लेकिन इस वक्त देखेंगे कि किस तरीके से जो है अपने आप को जो है मनवाएंगे टीम एक्सपायर के जाने से क्योंकि एक मैच जो है इनके हाथ से छीना गया था टीम रेडी टू रश के जाने से और इस वक्त देखेंगे किस तरीके से उसको कंफर्ट करेंगे। 5 म्यूटेंट्स की फाइट होते हुए दिखाई देती है, फ्लैश को कम्प्लीटली शट डाउन करेंगे जो कि एंग्री किंग्स के प्लेयर हैं और यहाँ पे फायर पावर अभी भी रेडी है। डैट शॉट को शॉट लगाने की कोशिश की जा रही है, पीक लेने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे हाशू की जाने से लेकिन इस वक्त जो है कोट का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है जो कि ग्लू को डिस्ट्रॉय करने में आपका काफ़ी जो है साथ देती है। 5 म्यूटेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, हाशू रश का फैसला करते हैं क्या यहाँ पे जो है डेड मैन साबित होंगे टीम एक के लिए। लेट्स सी के क्या मामला होगा। एंग्री किंग्स जो कि हमें काफ़ी जो है अच्छी टीम हमें देखने को मिलती है कम्युनिटी में, काफ़ी इन्होंने टाइटल भी अपने नाम किया है नेशनल लेवल पे। लेट्स सी क्या मामलात होते हुए दिखाई देंगे। एक के डेड शॉट इस वक्त मौजूद है लेकिन
सोच नहीं रहे कि पीक करके जो है हेडशॉट लें, क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल से वो अकेले मौजूद है इस जगह पे और अपने आप को रिवील करना नहीं चाहते हैं। टीम फाइव म्यूटेंट्स दो किल्स के साथ मौजूद है इस वक्त, जो है टावर वाले प्लेयर्स को जो कि डेड शॉट है उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है एचयू की जान से, लेकिन इस वक्त कोई जो है मुश्किल जो है उनके आगे नहीं आई है। और फाइनली टीम एंग्री किंग्स को शट डाउन कर दिया गया है। हर्ष उल्लास शॉट लगाते हैं कोर्ट का और इसी के साथ टीम एंग्री किंग्स का इस मैच से उनका जाना जो है जरूरी हो चुका था। और इस वक्त जो है डबल एमिट टू भी साइक यहाँ से कनेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, एक तरफ अनस्टॉपेबल्स की बात कर ले, एक तरफ इनफेमस की बात कर ले, तो तीसरी तरफ यहाँ पे हमें फाइव म्यूटेंट्स भी जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आ चुका है वापस से पहला मैच, हमें भूलना नहीं चाहिए कि फर्स्ट मैच जो कि बरमूडा ही था और वो फाइव म्यूटेंट्स के हक में गया था, तो क्या फाइव म्यूटेंट्स एक अच्छा कमबैक कर पाएगी, क्योंकि जोन में तो आ चुकी है। सामने टीम द फाल्कन्स मौजूद है, टीम कार्टून नेटवर्क की बात कर लें तो क्लॉक टावर पर ही होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लैंड भी क्लॉक टावर पर और उनका जोन ने इतना साथ दिया कि वो अभी भी जो है क्लॉक टावर पर होल्ड करेंगे। रेडी टू रश जो कि जीरो एलिमिनेशन के साथ मौजूद है और अपनी पोजीशंस को जो है सेफ करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी पोजीशन इस वक्त ऐसा नहीं है कि हम जो है हमें किस की तरफ जाना चाहिए, हमें जो है जज्बाती फैसले जो है करने चाहिए। इस वक्त काफी मुतमईन खेलते हुए दिखाई दे रही है टीम दी रेडी टू रश की बात कर ले, शर्लॉक कर ले या लूट की बात कर ले, इनके पास मुकम्मल लूट मौजूद है, जोन का जो है कवर करते हुए दिखाई देती है। और हमेशा से हर टीम की बात कर लूँ स्ट्रैटेजी यही रहती है, अरे भाई वायरस के साथ प्रैंक हो चुका है, यहाँ पे वायरस के ऊपर ड्रॉप आ चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली एक प्लेयर का नुकसान हो चुका है और आई थिंक ये जो है उनकी टीम के लिए काफ़ी जो है बुरा साबित होगा। और आयान उनको रिवाइव देने आएंगे, क्योंकि बात कर वायरस उनके दोनों मैचेस जो के पूया गए उनमें MVP रहे हैं, तो वायरस का होना गेम में मेरे ख्याल से ज़रूरी है गुरु भाई। बिल्कुल एग्जैक्टली गाइज, यहाँ पर कार्टून नेटवर्क यहाँ पर पहुंची तो थी, लेकिन उनसे उनके जाने से पहले पहले दो प्लेयर्स यहाँ पर आर एफ के भाग चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्लेयर डाउन कर दिए गए, लेकिन एक प्लेयर यहाँ पर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल बचा भी लिया गया यहाँ पर। और आर एफ अब फाइट देने वाली है, कार्टून 2v4 अगेन 2v4 हो चुका है यहाँ पर, तो कार्टून नेटवर्क क्या इस 2v4 को खत्म करेगी? बिल्कुल इस 2v4 को तो बिल्कुल एग्जैक्टली उनकी जानी से सपेट किया जाएगा। ओह लॉन्चर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर दो बंदों का नुकसान उठाते बच गया यहाँ पर कार्टून नेटवर्क। यहाँ पर थोड़ा सरप्राइज जरूर मिला था, लेकिन खैर ये अभी भी एलिमिनेट नहीं कर पाए क्योंकि दो प्लेयर्स अभी यहाँ से निकल के जा चुके हैं और कार्टून नेटवर्क यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी थोड़ी मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि जोन गुजर चुका है, 10 teams अलाइव हैं, 2 teams हमारा साथ छोड़कर जा चुकी हैं, वायरस वापस आ चुके हैं, कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। और उसके बाद यहाँ पर टीम RTR यहाँ पर रोटेशन ऐसी नजर आने वाली है, PK बटालियन यहाँ पर 2 kill के साथ मौजूद है और उनकी भी रोटेशन यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर RF की, लास्ट प्लेयर सरप्राइज रह चुके हैं और बड़ा नुकसान यहाँ पर कार्टून नेटवर्क ने इनका कर दिया है, क्योंकि ये वहां से निकले तो थे लेकिन दो बंदों का नुकसान उठाना पड़ा था। अब यहाँ पर जोन में कितनी देर तक लेटे रहने वाले हैं ये देखना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पर कार्टून नेटवर्क को भी देख लिया है और सामने PK बटालियन को भी देख लिया है और लॉन्च पैड यहाँ पर यूज किया जाएगा इनकी जाने से, मिनी लॉन्च पैड, और थोड़ा सा यहाँ पर दूर जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे? जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर टीम्स मौजूद है, सामने स्लेयर्स मौजूद है और यहाँ पे क्या अपने प्लेयर्स को बचा पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इनके पास टोकन्स हैं तो प्लेयर्स को रिवाइव कर देंगे। यहाँ पर इन्होंने लीडर को रिवाइव कर दिया, स्कैरी को रिवाइव कर दिया, स्नूप डॉग को भी रिवाइव कर दिया, तीनों को रिवाइव कर दिया। अब तो ये खुद भी मर जाए तो मेरा ख्याल है कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन खैर यहाँ पर बचने की पूरी कोशिश करेंगे। फुल बड़ी मेडिकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, सामने स्लेयर्स घूमती हुई नजर आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि जाना चाहिए, जोन से कम अज कम बाहर निकलना पड़ेगा। और टीम स्लेयर्स नहीं देख रही भाई, बैक पीछे नहीं देख रही बिल्कुल भी, आप इजीली होकर जा सकते हैं। और क्या बात है, आरएफ ने ऑलमोस्ट दूसरी दफा ऐसे किया है जहां पर लास्ट प्लेयर अपने बाकी प्लेयर्स को रिवाइव करते हुए नजर आए हैं और उसके बाद जो है वो इनकी पोजीशन भी अच्छी बनी है और फिर स्किल भी अच्छे बनते हुए नजर आए हैं। टीम एक्सपायर के ब्लैक होक यहां पर जरूर डाउन होते नजर आएंगे और यहां पे टीम RC के स्कैरी जिन्होंने अपने सारे प्लेयर्स को बचाया था, सॉरी सरप्राइज ने जिन्होंने बचाया था, अभी भी जिंदा है और दो बंदों को लेकर जाना चाह रहे हैं। खटक खत्म होने के करीब है भाई, एक शॉट लगाओ खटक को, जस्ट एक शॉट क्लिक होता है तो यहाँ पर खटक यहाँ पर खत्म हो जाएंगे और स्लेयर्स एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ पर देखना पड़ेगा सरप्राइज, यहाँ पर
शॉट लगाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हील कर लिया खुद को. बहुत अच्छा मैं कहूंगा स्कैरी ने गेम प्ले किया यहाँ पर, घटक को यहाँ पर अगर उन्होंने खत्म कर दिया तो भाई काफी जबरदस्त चीज देखने को मिलेगी. अभी भी फाइट चल रही है. मेडिकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन सरप्राइज मुझे लगता है डाउन भी हो सकते हैं. मेडिकेट का इस्तेमाल कर लिया गया है, बाहर निकल कर आ रहे हैं और पीछे हट रहे हैं यहाँ पर, फिर से बचाने के लिए पीछे हट रहे हैं. मुझे लग रहा है अभी भी इनके पास टोकन मौजूद है और फिर से यहाँ पर उन्होंने स्कैरी को बचा लिया जो कि अभी अभी डाउन हुए थे. भाई ये कितना मेहनती लड़का है और ये देखे ये मेहनत दिख रही है उनकी, जाते जाते स्लेयर के उस बंदे को भी खत्म किया और खुद भी जिंदा हो जाएंगे. भाई क्या खेल रहा है ये बंदा, मतलब क्या पील रहा है. यहाँ पे किल्स भी इकट्ठे कर लिए, अपने प्लेयर्स भी बचा लिए और अब यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आएंगे. फाइनली एक नेक इंसान का रुखसत होना दुनिया से हम देख सकते हैं. लेकिन खैर यहाँ पर उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी टीम के लिए भी और यहाँ पर पॉइंट्स भी बनाए हैं. लेकिन यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं हम लोग इस मैच की, तो ये हमारे साथ सेकंड लास्ट मैच है हमसे, इसके बाद लास्ट मैच है और वो टीमें जो अभी तक स्ट्रगल कर रही हैं फर्स्ट पोजीशन के लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस लास्ट मैच में. बिल्कुल उसामा भाई, लास्ट मैच इसके बाद है और अभी भी आप देख सकते हैं जोन सेकंड लास्ट है और इस वक्त जो है हमारी टीम्स 9 टीम्स इस वक्त जोन के अंदर मौजूद है और इस वक्त 5 म्यूटेंट्स दी रेडी ट्रेश की बात कर ले, TF की बात करें, CNR है भाई, कहाँ कहाँ फाइट हमें देखने को मिल रही है. और इस वक्त 5 म्यूटेंट्स की बात करेंगे रेडी ट्रेश जो कि काफ़ी मेन फाइट हमें देखने को मिल सकती है, लेट्स सी क्या मामला होगा. RF की बात करें रॉयल फोर्स लीडर एक तरफ हमें खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्कैरी स्नूप डॉग अलग खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, टीम एक्स पार्क रिच पे मौजूद लेकिन इस वक्त काफी अच्छी पोजीशन पे रह सकते हैं और यहाँ पे टीम पीके बटालियंस को शट डाउन करेंगे. द फाल्कन्स भी शट डाउन, 7 टीम्स स्टिल अलाइव, जोकर आते हैं अकेले मौजूद है, इस वक्त व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, मेडिकेट को यूज किया जा रहा है, फरार मौजूद है, टीम एक्स पार्क के झमेले में आके फंस चुके और यहाँ पे उड़ाया जाएगा. ओ माय गॉड यहाँ पे कुर्री को कंफर्म किया जाएगा, एम टीम के सहारा लिया जाएगा, बिल्कुल करीब आएंगे, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लू वॉल को लगा के जो अपने आप को सेव करेंगे. जोकर यू कैन डू इट ब्रो, यहाँ पे दो किल के साथ मौजूद है. ओ माय गॉड टीम एक्सपायर कभी मौजूद है, होल्ड ऑन गाइस, होल्ड ऑन, लेट्स सी के यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिलियर्स भी एक प्लेयर पे मौजूद. ओ माय गॉड यार क्या ही मैच हमें देखने को मिल रहा है, मतलब एक अलग ही परफॉर्मेंस. टीम एक्सपायर से जो एक्सपेक्टेशन है वो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत खतरनाक दिखाई दे रही है. स्ट्रॉबेबल फाइनली एलिमिनेट कर दी गई है, रेडी टू रश अभी भी जिंदा है और दो प्लेयर्स के साथ देखने को मिल सकती है यहाँ पर. रेडी टू रश और स्लेयर्स के भी राजा के लिए रह चुके हैं और टीम एक्स पार्क के पास ये बुया करने का चांस है यहाँ पर और बुया निकाल भी सकती है यहाँ पर. कहीं ना कहीं फाइनली एक बुया आएगा टीम एक्स पार्क के खाते में. RTR के बिल्कुल RTR यहाँ पर एलिमिनेट कर दी गई है. लास्ट प्लेयर स्लेयर्स के राजा जी को भी एलिमिनेट कर दिया है. टीम एक्स पार्क का सेकंड लास्ट में बुया आता हुआ दिखाई देगा. फाइनली हमजा स्ट्रगल थी बुया के लिए, अब हम स्ट्रगल ये नहीं बोल सकते कि पोजीशन या फिर हम बोलें कि वो परफॉर्मेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, नहीं अब स्ट्रगल थी बुया के लिए और वो टीम एक्स पार्क अपने लास्ट मैचेस में करती हुई दिखाई दे रही है. ये 3 मैचेस इंपॉर्टेंट थे और उनके दोनों मैचेस इंपॉर्टेंट जो है वो उन्होंने बड़े अच्छे गुजार लिए हैं और अब लास्ट मैच है और कहीं ना कहीं रेडी टू रश की जो कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस है वो खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर बात करें तो टीम एक्स पार्क के इस तरीके से उभर के आना भी खतरनाक साबित हो सकता है रेडी रश के लिए. गाइस अब आप थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, 5 मैचेस जिन्होंने देख लिए हैं उनको इतना तो थोड़ा अंदाजा हो जाना चाहिए कि कौन सी टीम इस टाइम जो है वो बाकी टीमों से ज्यादा अच्छा खेलती नजर आई है, विन कर सकती है, क्योंकि 3 टीमें तो यहाँ से प्राइज पूल लेकर जाने वाली है और वो तीनों कौन सी रहने वाली है जरूर देखने को मिलेगा. टीम एक्स पार्क 20 पॉइंट के साथ, शेयर 17 पॉइंट के साथ, रेडी रश 15 ही अनस्टॉपेबल के और रॉयल फोर्स यहाँ पर 12 पॉइंट के साथ 15 पॉइंट के साथ. कार्टून नेटवर्क भी इस टाइम इस दौड़ में दिखाई दे रही है, बाकी टीमें यहाँ पर डबल फिगर क्रॉस नहीं कर पाई लेकिन पॉइंट्स कहीं ना कहीं उनके अच्छे ही बने हैं. तो यहाँ पर आज के लास्ट मैच की तरफ बढ़ेंगे जो कि कलाहारी मैप रहने वाला है. क्या लगता है हमजा, कलाहारी मैप आ चुका है, लास्ट मैच है, आप भी अब थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूज हो चुके होंगे कि भाई कौन है वो टीम जो इस जो है वो लीग को, इस कम्युनिटी कप को विन करने वाली है. बिल्कुल मुझे जो है ना इसके बाद वो पाकिस्तानी पैनाडॉल नहीं होती जो हर दो गोली खानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी जो है कंफ्यूज कर दिया गया है यहाँ पे. और जिस तरीके से अच्छा हमने बात की टीम एक्सपायर की, उसामा भाई आपने देखा होगा कि एज़ कम्पेयर टू बिफोर दिस सेशन ऑफ फाइट के जिस तरीके से टीम एक्सपायर जो है क्लैश करती है और इस वक्त पूरी एलिमिनेट तकरीबन हो चुकी है. खुशहाल जाते हैं सेंटोसा, अपनी पूरी टीम को रिवाइव देते हैं,
काफी स्ट्रगल रहा था उनका, और इस जिस तरीके से कमबैक करते हैं तो मेरे ख्याल से काफी खतरनाक हमें देखने को मिली। और इस बार जो है वापस से जो है मैदान में आ चुके हैं, 5 मैचेस हमारे गुजर चुके हैं, 1 बोया जो है जाता है टीम एक्स पार्क के हक में, 1 बोया टीम 5 म्यूटेंट्स के हक में, 2 बोया जाते हैं टीम रेडी टू रश के हक में, और इसी तरीके से अब लास्ट मैच भी मौजूद है जो कि कलाहारी होने वाला है। और कलाहारी में लास्ट टाइम देखा जाए तो टीम रेडी टू रश का जो है पलड़ा भारी रहा था, लेकिन अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये मैच भी हमें जो है टीम 5 म्यूटेंट्स के हक में जाना था, लेकिन हमें नहीं जाता हुआ दिखाई दिया है, तो ये अनप्रेडिक्टेबल रहने वाला है कि कौन सी टीम इस मैच में जो है हमें करते हुए दिखाई देगी। और इस मैच में होने जा रहा है आज का फाइनल, ग्रैंड फाइनल का ग्रैंड ग्रैंड टीम हमें जो है मुंतखब होते हुए दिखाई देगी, जो कि इस चैंपियन को, यहाँ की चैंपियन रहेगी, इस टाइटल को अपने नाम करते हुए दिखाई देगी। दी लास्ट मैच लास्ट फाइट्स हमें देखने को मिलेगी कलाहारी के अंदर, और इस वक्त जो है टीम एक्स पार्क श्राइन्स की तरफ जा चुकी है, फाउंडेशन का रुख किया गया है टीम 5 म्यूटेंट्स की जाने से। डीमेज की बात कर ले, जिनॉन ईस्पोर्ट्स वर्सेस सिलियर्स हो चुकी है क्लैश फाइट, इसी तरीके से डी रॉयल फोर्स स्टॉप अनस्टॉपेबल्स की फाइट होगी, लीडर एक प्लेयर को नॉक करेंगे, करीब जाएंगे, शॉर्ट रेंज की फाइट हमें देखने को मिल सकती है, एंटी मटेरियल लॉन्चर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, 2 पीर्स को खत्म किया जा सकता है, स्कैरी यहाँ पे मौजूद है, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा जो है मुश्किलात रहने वाली है, लेकिन देखते किस तरीके से फाइट को जो है कंप्लीट किया जाएगा। आते हैं करीब, आते बॉन फायर लगाया था, लेकिन टीम कार्टून नेटवर्क के यहाँ पे जो है एक प्लेयर हमें किंग भटकते हुए दिखाई दिया, और अपनी लैंडिंग स्पॉट से काफी अलग दिखाई दिए हैं, हमें इनकी लैंडिंग स्पॉट की बात की जाए तो हमेशा से जिस सब पे रहती है वो ये ओ भाई, अबे भाई कितनी देर भागता रहे उसके क्रीप आगे, बोन फायर लगाई और मुक्कों से भैया स्कैरी को डाउन कर दिया, मतलब क्या गेम चेंज किया यहाँ पर आरएफ ने। और यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर किंग को खत्म कर देते वो तो यहाँ पे कार्टून नेटवर्क एलिमिनेट हो जाती, लेकिन अनस्टॉपेबल के भी लास्ट प्लेयर रह चुके हैं और स्लेयर्स के भी लास्ट प्लेयर रह चुके हैं, टीएफ के तो आए ही 2 बंदे हैं भाई यहाँ पर, और ये मैच तो मुझे लगता है कि टीम एक्स पार्क, टीम 5MT, टीम कार्टून नेटवर्क यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिनॉन ईस्पोर्ट की बात करते हैं 3 किल के साथ हैं, रेड एंड रश है और एग्री किंग के भी लास्ट प्लेयर, मतलब हमजा हमारे पास 3 से 4 टीमें ऐसी हैं जिनके लास्ट प्लेयर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल उसामा भाई, लास्ट मैच है, जिस तरीके से मतलब मैंने शुरू में ही कहा था कि ये मैच जो है बहुत ही बड़ा जो है एक फैसला करने वाला है कि कौन इस टाइटल का चैंपियन रहने वाला है, और जिस तरीके से टीम्स की सीरियसनेस हमें देखने को मिली है, टीम सीरियस की बात कर ले, खटक मौजूद है, मलिक मौजूद है, इस वक्त काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहने वाला है। जी बिल्कुल, यहाँ पर स्लेयर्स की बात करते हैं, 2 प्लेयर्स रह चुके हैं और टीम फैल्कन 2 आई प्लेयर्स के साथ है, और यहाँ पर उनकी तरफ से भी देखने को मिल रहा है, टीम एक्स पार्क यहाँ पर 4 प्लेयर्स के साथ हैं, 5MT 0 किल के साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कार्टून नेटवर्क को एक प्लेयर डाउन करने में कामयाब हुई है, कार्टून नेटवर्क किंग बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर खेलते हुए नजर आए हैं, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर किंग की तरफ से परफॉर्मेंस रही है, लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं जिनॉन के पास प्लेयर्स हैं, गाइस जिनॉन के करीब यहाँ पर प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, जिनॉन ने यहाँ पर प्लेयर्स को डाउन कर दिया और यहाँ पर किल्स पुट हो रही है, जिनॉन क्या ही ज़बरदस्त 5 किल यहाँ पर जोड़ चुकी है और यहाँ पर जो है वो किल्स पे किल्स पुट होती जा रही है, कार्टून नेटवर्क उनके बिल्कुल सामने मौजूद है और उनके लिए थोड़ा खतरा खड़ी करती हुई नजर आ रही है, किंग यहाँ पर आए हैं बैक साइड से, ओ गलत हो गया, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जिनॉन के प्लेयर्स को खत्म किया, लेकिन जिनॉन के एक प्लेयर अभी भी मौजूद है अमेर, और वो उनको रिवाइव करते हुए दिखाई देने वाले हैं हमका। बिल्कुल यहाँ पे जिस तरीके का स्टार्ट दिया गया है कार्टून नेटवर्क की जाने से, आई थिंक यहाँ पे जो है काफ़ी बहुत ही एक अच्छा मैच रहने वाला है, कार्टून नेटवर्क को स्टार्टिंग में ही 5 किल्स मिल चुके हैं और अभी भी 12 की 12 टीम्स इस ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। दी लास्ट बैटल है कलाहारी HOB कार्वर की जाने से ऑर्गेनाइज किया गया है इस टूअर को, और जो कि काफ़ी जो है अब जो है अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, साल के साथ साथ जो है इस वक्त अपनी बहुत सारी यादें हमारे साथ छोड़ता जा रहा है, और इस वक्त बात कर ले 5 एलिमिनेशन जिनॉन ईस्पोर्ट्स भी अपने साथ रखते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मैच में, स्काइलर का यूज करते हुए दिखाई दिए जाएंगे उमेर, और सामने सिलियर्स के प्लेयर मौजूद हैं, खडक मौजूद हैं, वेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, अलोन को नॉक किया जाएगा यहाँ पे, और आई थिंक ये काफी जो है
काफी खतरनाक सीन रहने वाला है। लोन को कंप्लीटली नॉक किया गया है और यहाँ पे कंप्लीट भी गया जा सकता है। मलिक की जो है रनिंग जो है अब आई थिंक के आगे की तरफ है, लेकिन यहाँ पे ओरियो डिस्टर्ब करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ से रोटेशन लेकर आते हैं रॉयल फोर्स को। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इख्तिताम होता है रॉयल फोर्स का इस मैच के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर, और यहाँ से जो है उन्होंने जो है हार मान ली है। इसी तरीके से बात करेंगे, 11 टीम्स ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, ऊपर फाइट हो रही है, लेकिन इस वक्त कोई फैक्ट नहीं है। ओ माय गॉड, रेडी टू रश, ये थोड़ा सा अलग सीन है। टीम पीके बटालियंस के पास से ही गुजरे, ओ माय गॉड, रेडी टू रश के लिए काफी ये मैच जरूरी है, और अगर ये इस मैच को जाया करते हैं तो मे बी के यहाँ पे जो है काफी नुकसान रहने वाले हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या यहाँ पे सीन्स रहने वाले हैं। और अयान अकेले मौजूद हैं, जीरो एलिमिनेशंस हैं। अगर अभी एलिमिनेट होती है टीम आर टी आर तो यहाँ पे जीरो पॉइंट्स के साथ जाना पड़ेगा इस मैच से। लेकिन देखते हैं कि क्या रहने वाला है। इस वक्त काफ़ी अलग ही सीन देखने को मिले गुरु भाई। टीम सिलियर्स की फाइट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, जिस तरीके से वुड पैकर का इस्तेमाल कर रहे हैं मलिक, तो मेरे ख्याल से काफ़ी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम प्ले करना चाहिए टीम सिलियर्स को अगर कम बैक करना है। लास्ट मैच है, पोजिशंस सिचुएशंस स्टैंडिंग्स किसी को कुछ नहीं पता, सब जो है प्लेयर्स के हाथ में ही है। और इस वक्त जो है आरटीआर अयान को जो है वापस जो है होश आया है, और इस वक्त जो है जा रहे हैं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। सामने प्लेयर इंतजार कर रहे हैं और इनको बचना होगा गाइस। 40 की वॉचिंग है, लास्ट मोमेंट से जल्दी से लाइव स्ट्रीम को शेयर करके आ जाएं, क्योंकि फाइनल है, रिजल्ट्स भी ऑन अनाउंस किए जाएंगे ऑन स्ट्रीम। बिल्कुल भी जो है मेरे ख्याल से अब परवाह नहीं की जाएगी यहाँ पे फाइट्स की। टीम आरटीआर जो है जोन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने प्लेयर्स को रिवाइव करना होगा अगर मैच में वापसी रहना है, टूर्नामेंट में वापसी आना है। एंग्री किंग्स की बात कर ले, यहाँ पे जो है कोर्ट का इस्तेमाल कर रही है टीम अनस्टॉपेबल्स के साथ, फाइट लेगी, नॉक करेंगे राणा को। यहाँ पे दिलाशवान अब्दुल्ला, क्या अब्दुल्ला अपनी टीम को बचाने में कामयाब रहेंगे? ओ माय गॉड, टीम एंग्री किंग्स शट डाउन, और यहाँ पे अनस्टॉपेबल्स 8 किल्स के साथ यहाँ पे मौजूद है, जो कि काफी जो है एक बहुत ही एक अच्छा टारगेट किल्स का जो है चेस कर चुकी है इस वक्त। और आई थिंक के यहाँ पे जो है काफी अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस रहने वाली है। 5 म्यूटर्स वर्सेस टीम सिलियर्स की फाइट हमें देखने को मिलेगी। राजा को डैमेज दिया जाएगा, साइक मौजूद है, डेमिकॉट सामने से फाइट लेने के लिए तैयार है, आगे आएंगे। यहाँ पे इनहेलर्स का जो है यूज देखने को मिल रहा है, क्या रहने वाला है? मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जो है काफी जो है मोमेंट जो है काफी अलग ही होने वाले हैं, क्योंकि सिलियर्स के आई थिंक के अकेले प्लेयर हैं, पीछे पूरी टीम अब आते हुए दिखाई देगी, साथ आएगी, डैमेज देंगे राजा को। यहाँ पे कवर किया जाएगा, मलिक के जाने से कवर दिया जाता है, और यहाँ पे बिल्कुल अपने आप को जो है सेफ करते हुए दिखाई दिए गए हैं। और देखना है कि अभी इस मैच में कौन कितनी बहादुरी से जो है मुकाबला करता हुआ दिखाई देगा। अब महमूद की तरफ जाया जा रहा है यहाँ से, जहाँ पे कार्टून नेटवर्क ने जो है अपने जो है डेरे जमाए हुए थे, लेकिन अब देखना है कि क्या रोटेशंस होंगी टीम्स की, क्योंकि अभी भी 10 टीम्स स्टिल अलाइव इज हियर। जोन बन चुका है, टीम टीएक्स की बात कर लें, टीम सिलियर्स की बात कर लें, कार्टून नेटवर्क, जो कि सारी टीम्स जो है अपने अलग मौजूद है। टीम जिनॉन का जो है एक अलग ही रुख हमें देखने को मिल रहा है कमांड पोस्ट की तरफ, और अब जो है वहाँ पे होल्ड करेंगे। बिल्कुल पीके बटालियंस की भी एंट्री होगी वहाँ पे, अनस्टॉपेबल्स भी आएंगे। 3 टीम्स के दरमियान फाइट होगी टीम कमांड पोस्ट के दरमियान, और देखना है कि किस तरीके से जो है हैंडल किया जाएगा फाइट को। पीके बटालियंस अभी यहाँ पे मौजूद है 10 किल्स के साथ, अनस्टॉपेबल्स मौजूद है 8 किल्स, अकेले बिग डील कर चुके हैं अपनी टीम से, जो कि बहुत ही बड़ा टारगेट अचीव किया है फाइनल्स के अंदर। और फाइनल मैच है, जो कि इसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की अनाउंसमेंट रहेगी, और देखता है कि क्या मामला रहने वाले हैं। बिग डील 8 एलिमिनेशन के साथ मौजूद, अभी भी कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो चुका है कि हर प्लेयर की पीक आने के लिए कोई बिना तकल्लुफ जो है किया जा रहा है, बिल्कुल ऊपर आएंगे। एसवीटी मौजूद है, और माय गॉड, यहाँ से पीक लेने की कोशिश की जा रही है। 7 ग्लू वॉल्स मौजूद है, 3 ग्रेनेड्स मौजूद है, लेकिन इस वक्त अभी तक प्लेयर रिवील नहीं हुआ है। आई थिंक उधर अब प्लेयर भी नहीं है,
तो ये थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब हो सकता है यहाँ पे पोजीशंस, क्योंकि इस वक्त कमांड पोस्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हमजा 5 MT की, तो वो मेरा ख्याल है कार्टूनेट के सब पाई लेने के लिए तैयार है। लास्ट मोमेंट है गाइस इस टूर्नामेंट के, लास्ट मैच के भी और इस टूर्नामेंट के भी, और अब देखना पड़ेगा कि इस टूर्नामेंट में कौन आने जो है वो विन करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे RTR वापस आ चुकी है हमजा, एक थोड़ा सा जो है ना खतरा टल चुका है RTR के लिए, बहुत बड़ा खतरा था कि अगर उनका ये बैट पैच आता तो कोई भी टीम उनसे ऊपर आ सकती है, लेकिन अभी भी आ सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर उनसे ज्यादा किल और उनसे पोजीशन अच्छी बनाने में कोई टीम कामयाब होती है तो RTR के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। चाहे उनके पास 2 बुइया है, लेकिन ओवरऑल हम पोजीशन और किल्स की बात करते हैं तो टीम एक्सपार्क बहुत खतरनाक साबित हुई है, उसके साथ साथ यहाँ पर बाकी टीम्स और ये लेगा यहाँ पर टीम फैल्कन्स के प्लेयर यहाँ पर खत्म करेंगे। भाई 2 ही बंदे आए हैं और 2 बंदों में में से 1 बंदे ने 3 किल कर लिए हैं, मतलब क्या मतलब इनकी तरह से परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं कि उन्होंने भाई बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी कि अब कोई फायदा नहीं है लास्ट मैच में, तो ऐसा नहीं था उनकी तरफ से, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने यहाँ पर जो है वो अपनी टीम को संभाला है, टीम तो नहीं कहूँगा यहाँ पर अपने दोनों प्लेयरों ने एक दूसरे को संभाला है और कहा है कि भैया यहाँ पर हम मैच तो जरूर अच्छा निकालेंगे, चाहे हमारे दो बाकी बंदे हैं वो सो गए हैं या फिर विश करने के लिए चले गए हैं, क्योंकि न्यू ईयर भी है और 5 मिनट बाकी हैं उसमें भी, तो खैर यहाँ पर इस मैच में भी ऑलमोस्ट 2 मिनट्स या 3 मिनट्स बाकी रह चुके हैं, जिसके बाद यहाँ पर इस मैच के रिजल्ट भी आ जाएंगे और उसके साथ साथ हमारे साथ आज के विनर्स और उसकी जो है वो टॉप 3 प्लेयर्स जिनके जिनको प्राइज पूल मिलने वाला है वो भी आने वाले, तो ज़ेनॉन और कार्टून नेटवर्क की फाइट होने वाली है हमसे यहाँ पर। बिल्कुल ज़ेनॉन और कार्टून नेटवर्क की फाइट एक काफ़ी जो है मोमेंटम रहने वाला है कार्टून नेटवर्क के लिए, क्योंकि अच्छे मैचेस जा रहे हैं और अगर अभी एलिमिनेट होंगे तो इन्हें 10th होंगे जो कि काफ़ी जो है मुश्किलात कर सकता है। सीएन किंग, ओ माय गॉड, किंग आज जो है फुल मूडी में आए हुए हैं और इस वक्त जो है एक प्लेयर को नॉक करेंगे यहाँ पे, अपने प्लेयर को रिवाइव देंगे। टीम ज़ेनॉन ईस्पोर्ट्स को शट डाउन कर दिया गया है यहाँ पे, 9 teams स्टिल अलाइव इन द कलारी लास्ट मैच। यहाँ पे सुपर मेडिकेट का इस्तेमाल करना होगा लोन को अगर अपने आप को महफूज रखना है। शानी मौजूद है इस वक्त, किंग्स 4 एलिमिनेशन के साथ मौजूद है, टोटल कार्टून नेटवर्क के पास इस वक्त 8 एलिमिनेशन हैं जो कि काफ़ी एक अच्छा टारगेट अचीव कर चुके हैं। रिवाइवल शट डाउन हो चुके हैं इस वक्त और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फाइट जो है 9 teams के दरमियान है। शानी को नॉक करा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर्स मौजूद टीम कार्टून नेटवर्क के, क्या यहाँ पे जो है सिचुएशन को संभाला जाएगा, क्या यहाँ पे फाइट ली जाएगी। एक अलग ही माहौल हमें बना दिया गया, टीम सिलियर्स की एंट्री होते हुए दिखाई देती है, पीछे से सी एंड कार्टून नेटवर्क यहाँ पे अलोन मौजूद है, राहील मौजूद है, 9 teams है और इस वक्त जोन के जो है होल्ड करता हुआ दिखाई दिया जा रहा है और जोन में ही इस वक्त जो अपने आप को सेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनस्टॉपेबल्स के जोकर आगे से आते हैं, यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, नॉक किया जा सकता है लेकिन नहीं, स्ट्रेटजी लगाई यहाँ पे, नॉक किया जाएगा अनस्टॉपेबल्स के जाने से, 13 एलिमिनेशन कर ली गई हैं। 9 kills बिग डील की तरफ से, अकेला भाई बंदा 9 kills के साथ है यहाँ पर और टीम अनस्टॉपेबल, तो भाई अब स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रही। आज के लास्ट मैच से मेरा ख्याल है ऐसी पोजीशन बनाना चाह रहे हैं जो कि मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी खतरनाक साबित होगी, लेकिन पीके बटालियन की तरफ से भी यहाँ पर शॉट लगे हैं और डाउन किया गया है, लेकिन टीम प्लेयर्स भी यहाँ पर कार्टून नेटवर्क यहाँ पर एलिमिनेट कर दी गई है। अकेले प्लेयर्स रह चुके हैं टीम फैल्कन के और इन फेवर्स की बात करते हैं, 3 kills के साथ मौजूद है। टीम एक्सपायर की बात करते हैं तो 1 kill के साथ दिखाई दे रही है, 5 mutants अपना लास्ट मैच अच्छा बनाने की कोशिश जरूर करेगी यहाँ पर इन फेमस के साथ। यहाँ पर हमजा उनकी फाइट हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है, 5 mutants वर्सेस यहाँ पे हमें फाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत ही इनफेमस की फाइट जो है हमेशा से एक हैवी फाइट रहती है, जिस तरीके से टीम एक्सपार्ट पे उन्होंने जो है हमला किया था तो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल था और यहाँ पे जो है शॉट लगाया जा रहा है। हर्षू इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस इनके पास मौजूद है, इनफेमस के हिसाब से आई थिंक थोड़ी सी जो है हैवी टीम देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन क्या जिस तरीके से नॉक करेंगे, बिल्कुल 2 प्लेयर्स को नॉक करेंगे यहाँ पे, साइक नॉक होते हैं लेकिन कम्प्लीटली उन्हें जो है रिवाइव किया जाएगा, 2 एलिमिनेशन यहाँ पे उनको मजीद जो है मिलेंगी। लेट्स सी क्या मामला होगा, पीछे रश किया जाता है, इन फेमस आते हैं, हमारे प्लेयर को छेड़ा गया, एक्सपायर जाती है, यहाँ पे शटडाउन होगी। टीम स्लेयर्स की बात करें वो भी मौजूद है, टीम इन फेमस भी आती है, टीम 5 mutants के पास जो है अब मौका जो है बिल्कुल भी नहीं बचा है बाहर निकलने के अलावा, बिल्कुल आगे से जाएंगे, लॉन्च पैड को लगाएंगे, जोन को जो है कवर करना होगा, 5 MT साइक जाएंगे यहाँ पे, जोन को कवर करेंगे और अब फाइनली अनस्टॉपेबल्स भी जाएगी मैदान को छोड़ेगी। 16 players स्टिल अलाइव इज हियर, टावर में प्लेयर्स मौजूद है, 5 MT यू कैन डू इट, यस वी कैन डू इट कहते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन फाइट लेनी चाहिए और इस वक्त रेडी टू रश के एक ही प्लेयर मौजूद और यहाँ पे 5 MT स्ट्राइक आ चुके हैं, चार्ज बस्टर का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है,
माय गॉड, नॉक करेंगे, टीम रेडी टू रश को शट डाउन करेंगे, पीके बटालियंस भी यहाँ पे मदार ऑन फायर, पीछे से टीम इनफेमस और टीम पीके की फाइट हो रही है जिसका फायदा उठाएंगे भरपूर किस्म से टीम फाइव म्यूटेंट्स। क्या लगता है गाइस यहाँ पे फाइव म्यूटेंट्स यहाँ पे फाइट को जो है अनबिलीवेबल करते हुए दिखाई देने लगी है या फिर नहीं? फाइव एमटी टू फेस जिलियर के खटक को नॉक करेंगे कंप्लीटली शट डाउन करने के लिए, बहुत ही करीम है, जोन के अंदर मौजूद है, सिलियर को शट डाउन करेंगे। टू फेस अपनी पोजीशन, अपनी सिचुएशन, अपनी परफॉर्मेंस का फायदा उठाते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पे टीम पीके बटालियन सेट स्किल्स के साथ मौजूद है। किस तरीके से जोन में जाना है फाइव म्यूटेंट्स एक उनके लिए जो है रिस्की साबित हो सकती है। यहाँ पे 184 का डैमेज मिलता है इनफेमस के गुज्जर को और ये वही गुज्जर है जिन्होंने एक बूया जो है इनफेमस को दिलाने में कामयाब रहे थे। लेट्स सी क्या मामला होगा, फाइट जो है बहुत ही लेवल की देखने को मिलेगी। टीम पीके बटालियंस की बात करें, एक प्लेयर को नॉक करेंगे, अब्दुल मौजूद है, जेंटल मौजूद है, दी लास्ट टू अलाइव सुपर मेडिकेट का इस्तेमाल करेंगे, गुज्जर सामने ही सामने मौजूद है, फाइट लेने की फुल सिचुएशन कंडीशंस यहाँ पे काफी अनप्रिडिक्टेबल रहने वाली है। 5 MTK बुया जो है काफी करीब और इस वक्त जो है पीके बटालियन शट डाउन होगी। इनफेमस वर्सेस 5 म्यूटेंट्स, द लास्ट वन स्टिल अलाइव, ब्लू क्या यहाँ पे कर सकते हैं चेस 5 म्यूटेंट्स के पास, द लास्ट फाइट, लास्ट मोमेंट्स, इनफेमस शट डाउन कंफर्मिंग बुया बाय 5 MT लाइक 5 म्यूटेंट्स यहाँ पे जो है एलिमिनेशंस के साथ जो है MVP का बैच हासिल करेंगे। फाइनली वेलकम बैक टू द गेम, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैचेस होते हैं खत्म, बूया जाता है 5 MT के हक में और साइक यहाँ पे हमें MVP देखने को मिले। बिल्कुल गाइज, और यहाँ पे आपको बताते चलें कि हमारे साथ आज के लास्ट मैच में 5 MT की बूया आने के साथ साथ आपको ये भी बात बताते चलें कि हैप्पी न्यू ईयर गाइज, यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर सबको जो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम अब 2023 में शामिल हो चुके हैं जो कि 2022 जो है वो हमारा कट चुका है, मतलब गुजर चुका है सॉरी, और उसके बाद जो है वो 2023 में हम लोग जो है वो एंट्री ले चुके हैं वो भी साथ साथ आपके, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट्स हमारे साथ आ चुके हैं और जिसमें यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस 5 MT की तरफ से देखने मिली और इस पर किस भी बड़े अच्छे थे, इनके फर्स्ट मैच में भी बुया थी, आखिरी मैच में भी बुया थी, मतलब स्टार्ट भी अच्छा और एंडिंग भी अच्छी, और एंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी इसलिए क्योंकि किस भी थे इस बार, और 14 के साथ इनफेमस, पीके बटालियन 16 के साथ, 10 के साथ फैल्कन्स, 13 के स्लेयर्स, रेडी रश 5 के साथ, 17 के साथ गाइस अनस्टॉपेबल 7 पे मौजूद है, टीम एक्सपायर 5 और कार्टून 10 और जिनॉन 6 और एंग्री किंग्स यहाँ पर 0 और रॉयल फोर्स यहाँ पर 3 के साथ दिखाई दे रही है। तो गाइस चैंपियंस यहाँ पे अनाउंस किए जाने वाले हैं और चैंपियंस आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सभी मैचेस आप लोगों ने बड़े मजे से देखे हैं और इन्जॉय किए हैं, प्राइज पूल आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ चुके हैं और हम अब बढ़ेंगे यहाँ पर चैंपियंस की जानिब जो हमारे साथ यहाँ पर रहने वाले हैं। तो लेट्स सी गाइस यहाँ पर क्या बनता है चैंपियंस के हवाले से, हमें क्या लग रहा है परफॉर्मेंस वाइज टीमों के लिहाज से क्या लगता है कि चैंपियन कौन हो सकता है? यार उसामा भाई चैंपियंस की बात है ना, तो इस वक्त जो है हर मैच के बाद स्टैंडिंग्स अलग देखने को मिली हैं, तो मेरे हिसाब से इस वक्त जो है प्रिडिक्ट करना कि कौन सी टीम इधर चैंपियन बनते हुए दिखाई देगी तो मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल है। गाइस आप लोग भी चैट पे मौजूद हैं, जो भी हैं जल्दी से जो है बता दें कौन सी टीम आपको लगता है, क्योंकि काफ़ी टीम्स जो है RTR के उस पर है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि RTR का लास्ट मैच काफ़ी जो है बुरा किया है, 5 ही पॉइंट्स उन्होंने इकट्ठे किए लास्ट मैच में, तो ये काफ़ी जो है मैं कह सकता हूँ कि टर्निंग पॉइंट रह सकता है। टीम एक्सपर्ट के 2 मैचेस में कमबैक होता है, टीम 5 म्यूटेंट्स लास्ट मैच में कमबैक करती है, कार्टून नेटवर्क का भी अच्छा कमबैक देखने को मिला है, पीके बटालियंस हो जाए, अनस्टॉपेबल्स की बात कर ले तो मोस्टली 13-14 के जो कि उन्होंने इस मैच में इकट्ठे किए हैं, पोजिशन भी कहीं ना कहीं टॉप 4-5 तक आए, लेकिन मेरे हिसाब से ये फाइनल का जो है चैम्पियन विन कौन करेगा इस टाइटल को ये प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आपको एक दफ़ा फिर से बताते चले ये टूर्नामेंट जो कि HOB कार्बन की जानिब से जो है यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइज़ किया गया था और जो कि काफ़ी जो है हैवी प्राइस पूल के साथ यहाँ पे जो है इस टूर्नामेंट को जो है तकमील तक पहुँचाया जा रहा है और इस वक्त देखना होगा किस तरीके से होगा। वीक 1 में चैम्पियन बनते हुए नज़र आई, एक वीक 2 में जो कि पीके बटालियंस भी एक वीक की चैम्पियन बनते हुए दिखाई दी थी, $50 उसमें भी उनको जो है मिले थे, लेकिन लेट्स सी कि आज का जो प्राइस पूल है वो काफ़ी हैवी ह्यूज प्राइस पूल है, $150 फर्स्ट प्लेसमेंट को मिलेंगे जो कि
कोई $150 और $150 जो है काफ़ी एक अच्छी अमाउंट बन जाती है कम से कम अगर आप हिसाब लगाएं तो, एज कम्पेयर टू पी के आर करेंसी तो काफ़ी एक अच्छा अमाउंट बन जाता है। लेकिन अभी देखना यह है कि कौन सी टीम फर्स्ट प्लेसमेंट के लिए मुंतखब हुई है अपने जो है खेल के हिसाब से, और कौन सी टीम सेकंड के लिए, कौन सी टीम थर्ड के लिए, आप लोग को क्या लगता है? हम कमेंट सेक्शन की तरफ भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आरटीआर हमें सपोर्ट देखने को मिल रही है, साथ हमारे साथ लाइव स्ट्रीम पे मौजूद है YGX शर्लॉक की बात कर लें तो आरटीआर कह रहे हैं, YGX शर्लॉक आरटीआर की सपोर्ट दिखा रहे हैं। शिकारी कहते हुए नजर आ रहे हैं, टीपी ईगल नहीं यार हमें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, और IG फ्लैश 5 MT लग रही। भाई कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। और ये रेड पुल आते हैं, हैप्पी न्यू ईयर की आगाज है माशाल्लाह। अरे भाई आपके होते हुए हम यही है भाई, हमें हमने कहीं नहीं जाना, हमने सारे प्लान्स जो है हमने अपने जो है बंद कर दिए थे आप लोग की वजह से। सेंड यू टू हेल लीडर यार, आरटीआर की सपोर्ट दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह की लुटेरा हमारे साथ मौजूद है, फ्रॉस्ट इन्हें दूर रखो, हैप्पी न्यू ईयर की आवाज़ आती है भाई। वेल आपको भी सबको न्यू ईयर मुबारक हो, और दुआ है भाई सबके लिए जो है 2023 एक अच्छा सा साल जो है सबकी ज़िंदगी में जो है खुशियां लाए, और जो है जितने भी दुख हैं सब समेट जाए, और सबके लिए भाई बेस्ट विशेस है इस नए साल के साथ। और इस वक्त जो है बता रहे हैं H2Y2H लीडर कह रहे हैं भाई 33K $150, तो भाई 150 फिर आप खुद ही देखिए, ये एक छोटा प्राइस पूल नहीं है, 33K आई थिंक लोकल टूर्नामेंट्स में ये भी एक अच्छा है। तो लेट्स सी क्या होता है यार, पहले टूर्नामेंट $400, नेक्स्ट कैसे टूर्नामेंट्स आएंगे। देखो फ्लैश यार, देखो ये जो टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं ना, ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती, इस पर काफ़ी चीज़ें होती हैं। जिस तरीके से हमें स्पॉन्सर दिया गया था यहाँ पे मलेशिया ESPL की जानिब से, उसी तरीके से जो है होपफुली फर्स्ट टूर्नामेंट था, और फर्स्ट टूर्नामेंट ही इतना ह्यूज प्राइस पूल के साथ, तो आगे भी हम अच्छे की उम्मीद लगा सकते हैं। और हम भाई यही हम सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इस कम्युनिटी को जितना हो सके जो है ग्रो करना चाहिए, क्योंकि अब जो है एज कम्पेयर टू लास्ट 2 ईयर्स इधर जो है काफ़ी जो है हमें टैलेंट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर काजी मेयर आ चुके हैं, सेंड यू टू हेल डिसबैंड हो गई, आई डोंट नो मे बी के सेंड यू टू हेल डिसबैंड हुई है या नहीं हुई है। TRG नोवा हमारे साथ हैं, बोलते हैं विनर कौन आया यार, अभी तो ये मुझे भी नहीं पता। नोवा भाई आप इतने हैवी तरीके से आगे पूछ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं भाई, बिल्कुल आ रहे हैं, जो भी बोलो RTR ले गई है सब कुछ, लूट लिख दी। चलो खैर हो गई साथ भाई, देखते हैं कि क्या होता है भाई। मैं भी जो है काफ़ी जो है उतावला हो रहा हूँ भाई रिजल्ट्स को जानने के लिए, कौन सी वो टीम है जो इस टाइटल को अपने नाम करेगी, इस चैम्पियन, इस लीग की चैम्पियन बनेगी, $150 अपने नाम करेगी, USD, वो भी UK नहीं कह सकते हम, USD डॉलर्स की बात हो रही है। और भाई हमारे तरफ तो भाई फुल आवाज़ें आ रही हैं, फुल भाई न्यू ईयर होने की जो है यहाँ पे यकीन दहानी कराई जा रही है, जो कि होते हैं थोड़े शोशा होते हैं। रेडी टू रश के जो है यहाँ पे टैग लग चुका है, हैश टैग होता हुआ, भाई जल्दी से हैश टैग लगा दो, किसकी ज़्यादा सपोर्ट आती है, कौन कहता है भाई क्या मामलात होते हैं। हमारे साथ गुरु भाई भी मौजूद है, मे भी गुरु भाई से भी जानते चलेंगे। गुरु भाई आपको क्या लगता है कौन सी टीम जो है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को अपने नाम करेगी? बिल्कुल गाइस, अभी तक आई थिंक मुझे दो तीन टीमों का काफी ज्यादा लग रहा है कि भाई ये दो तीन टीमें जो है ना वो, खैर हम बात जो है वो सिर्फ टॉप वन की नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे टॉप थ्री की, तो क्योंकि जो है बाकी टीमों को भी प्राइस मिलने वाला है दोनों बाकी टीमों को भी, तो वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ रहेगी। कह रहे हैं बस देखते हैं क्या सीन होता है। चलो गाइस यहाँ पर आप लोगों के साथ, चलो इतनी लंबी चौड़ी नहीं करते हैं, मैं क्या बताऊँ क्या करूँ, लेकिन आप लोगों से डायरेक्टली जो है वो जो हमारे विनर्स हैं वो आज के दिखा दिए जाते हैं आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर आने वाले हैं, और होप करता हूँ कि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप लोगों को मज़ा आएगा। कह रहे हैं उसकी टीनावली क्या होता है, अच्छा ठीक है ठीक है गाइस, मुझे ज़रा चेकआउट कर लेने, हमारा बैनर आ चुका है हमारे पास, और विनर्स यार विनर्स पता लग गए यार, हमजा मैं कह रहा हूँ विनर्स डायरेक्टली देख ही लेते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल हम यहाँ पर विनर्स ले आते हैं, क्या मैं बताऊँ कि कौन लग रहा है क्या लग रहा है, तो सीधे डायरेक्टली हम विनर्स की तरफ चलते हैं। स्क्रीन के ऊपर गाइस आपके विनर्स आने वाले हैं, तो जल्दी लाइक बटन नहीं किया हुआ, सॉरी क्लिक नहीं किया हुआ
तो जल्दी से दबा दें और यहाँ पर विनर्स हमारे साथ आ चुके हैं और विनर्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने आने वाले हैं जो कि हमारे आज के विनर्स रहेंगे। तो लेट्स सी कि गाइस क्या बनता है यहाँ पर। फिलहाल के लिए यहाँ पर हम लोग जो है वो विनर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि विनर्स जो हैं हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं, कौन हैं हमारे विनर्स। और हमजा दिखा दें विनर्स यार, क्या कहते हो? ये तो हमें जिनकी वजह से टूर्नामेंट हुआ है उन्हीं से जानना चाहिए कि कौन विनर्स हो सकता है। भाई जल्दी से बता दो, कुछ ही लम्हात में आपकी स्क्रीनों पे आपके जो है विनर्स आने वाले हैं, तो जल्दी से भाई बता दो कि कौन हो सकता है। भाई देखो कहीं ना कहीं आप लोग सही भी हो सकते हो, कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है। मुझे लाइव सेक्शन में जो है दी रॉयल फोर्स भी देखने को मिल रहा है, तो ये भी तो विनर्स आ चुके हैं हमारे सामने इस एचओबी एक्स ईएसपीएल कमेटी कप को विन कर लिया है। $300 भी दिखाई दे रहे थे, उनके नाम के अंदर थोड़ा सा यूटोक्लियर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन खैर उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ चैंपियंस बन चुकी है रेडी टू रश, जो कि विनर होगी हमारी इस कम्युनिटी कप की। बेहतरीन गेम प्ले, बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद यही टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हुई है। अपने आप को मनवाया, अपनी गेम प्ले को दिखाया, रेडी टू रश ने यहाँ पर जीत कर दिखाया। इस न्यू ईयर के साथ एक इनके लिए एक और खुशी बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्होंने इस साल की शुरुआत इस कम्युनिटी कप को जीत कर की है, जिसका प्राइज पूल $300 रहने वाला है। बिल्कुल, काफी काफी मुबारकबाद टीम रेडी टू रश को, जो कि यहाँ पे जो है चैंपियन बन चुकी है, चैंपियन ऑफ कम्युनिटी कप अल्टीमेट बैटल फ्रॉम टीम एचओबी कारवन की जानिब से जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। ईएसपीएल का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें जो है स्पॉन्सर दिया इस टूर्नामेंट के लिए। और सबसे बड़ी बात मुइस की बात करें, जो कि मैनेजर है एचओबी कारवन के, जो कि काफ़ी जो है एक मेहनत के साथ इस कम्युनिटी को जो है अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं, और हर उस बंदे के लिए जो है काफ़ी बेस्ट विशेस हैं जो ऐसी जो है ख्वाहिशें रखते हैं इस कम्युनिटी के लिए आने वाले साल में, जो है बहुत सारी बेस्ट विशेस है। टीम आरटीआर का एक अच्छा आगाज हमें देखने को मिला है गुरु भाई इस साल का। बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत जबरदस्त एंड किया है यहाँ पर और रेडी टू रश ने यहाँ पर इस टूर्नामेंट को विन कर लिया है। बाकी जो आप लोगों को स्टैंडिंग्स हैं, सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है जो है एचओबी कारवां के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। तो वहां पर जाकर आप डिस्क्रिप्शन से भी उनके लिंक्स ले सकते हैं, वहां पर जाकर आप बाकी पोजीशन चेकआउट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप चैंपियंस को देखें और चैंपियंस से जो है वो लुत्फानंदोज हों। और हम इसके साथ ही हमजा क्या कहते हो इजाज़त लेंगे, क्योंकि मैचेस भी कम्प्लीट हो चुके हैं, विनर्स भी हमारे आ चुके हैं, लेकिन बाकी हम नहीं बताने वाले, क्योंकि आप लोगों को अगर जानना है तो आपको जाना पड़ेगा एच ओ बी कारवां के फेसबुक पेज और जो है इंस्टाग्राम के सोशल प्लेटफॉर्म पर, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं बाकी डिटेल्स। अभी के लिए आप चैंपियंस को देखें और हमें नहीं जान। बिल्कुल, जो है अब जो है इजाज़त चाहेंगे, एक न्यू ईयर है तो ऊपर से जो है हमें काफ़ी जो है मज़ा आया इस स्ट्रीम को करके, इस टूर्नामेंट को जो है तकमील तक पहुंचाते हुए। सबसे पहले मैं जो है आपका शुक्रिया अदा करूंगा एचओबी कारवां का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे एज ए गेस्ट कास्टर इन्वाइट किया, साथ ही साथ आप सबका इतना प्यार के लिए। तो भाई जब तक अब मिलते हैं, फिर कभी मिलेंगे इंशाल्लाह, जब तक के लिए जो है खुदा हाफिज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। एग्जैक्टली गाइज, अभी दें हमें इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, नेक विशेज़ के साथ खुदा हाफिज़ गाइज, और इसी तरीके से सपोर्ट करिएगा ताकि हम लोग यहाँ पर और भी टूर्नामेंट्स लेकर आ सकें इस प्लेटफॉर्म पर। तो मिलते हैं फिर एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Okay, Guru bhai, bahut bahut shukriya. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. Made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.
wanna break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.